हाय जी, वेलकम बैक गाइस, सभी लोगों का अंशुभिष के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस लीगल वर्ल्ड में, थोड़ा सा इलीगल और थोड़ा सा अच्छा काम करने के लिए। मतलब वो इलीगल भी है, लीगल भी है, अभी बताता हूँ आगे जाके। तो जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना, 100 के लाइक का गोल है। जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और चलो चलते हैं और बताता हूं तुम लोगों को कि हम लोग क्या करने वाले हैं। गाइस, हम लोग आ चुके हैं लिलीविल में और मुझे पता है तुम लोग मेरा भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं एक बारी। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, अभी रात के 1:39 हो रहे हैं, ठीक है, रात के 1:39 हो रहे हैं। और मुझे बस तुम लोगों को ये चीज इसलिए बतानी थी, मैं अभी इसलिए आया हूं क्योंकि लिलीविल में कोई भी नहीं है, समझ लो। ना जैक है, ना देव है, ना रॉनी है, ना कैसल है, ना चाचा जी है, अभी कोई भी नहीं है इस सर्वर में। इसी टाइम का मेरे को सबसे सही यूज करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, बारिश भी हो गई भाई। इसी टाइम को हम लोगों को सबसे बढ़िया यूज करना पड़ेगा, वो कैसे मैं बताता हूँ। लास्ट स्ट्रीम पे क्या हुआ ना गाइस, हम लोग स्ट्रीम कर रहे थे नॉर्मली और उसके बाद हम लोगों को दो विलेजर्स जो थे, जो बेसिकली इलीगल विलेजर्स थे पहले, बट जैक ने एक रूल बनाया कि अब लीगल हो जाएंगे विलेजर्स, बट सिर्फ और सिर्फ वो दो विलेजर्स, तो उनकी बोली लगी। एंड मैंने अपना आर्मर सब कुछ दे दिया जो कि प्रॉपर नेदरराइट का सब कुछ था। अभी मेरे पास लेजिट कुछ भी नहीं है और एक फालतू का आर्मर मेरे पास पड़ा हुआ है। पर वो आर्मर पूरा का पूरा देने के बाद मेरे को वो दोनों के दोनों विलेजर्स मिल गए। और अब हम लोग उन विलेजर्स से इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि इस पूरे लिलीविल में भाई तुम्हारे भाई का ही जोर चलेगा सिर्फ और सिर्फ। और अगले इलेक्शन में हम लोग गारंटीड लीडर बनेंगे, कुछ भी बोल लो तुम लोग, ठीक है। जो मैंने सोचा हुआ है वो ये है कि हम लोग एक ब्लैक मार्केट बनाएंगे। कहने का मतलब है कि देखो, बुक्स ये सब चीज़ें हम लोग देंगे लोगों को, लेकिन अगर वो लोग ट्रेड कर सकते होते तो भाई वो लोग एमराल्ड में ले सकते थे, राइट। लेकिन हम लोग जैसे मेंडिंग है ये सब है, इसको एक या दो डायमंड में बेच सकते, क्योंकि कोई भी मेंडिंग ला ही नहीं सकता, नॉर्मल बुक नहीं है वो, समझ रहे हो। तो हम उसको डायमंड्स में बेच सकते हैं, पर उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक सिक्योर जगह बनानी पड़ेगी। आई थिंक ये जैक के डॉगीज है ना, हाँ। तो भाई हम लोगों को ना उसके लिए एक सिक्योर जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग उनको छुपा के रख सकें और कोई भी उनसे आके ट्रेड करके सामान चुपचाप चोरी करके ना ले जा ले, ठीक है। और मुझे गारंटीड पता है कि भाई हमारा पहला बंदा कौन होने वाला है जो हम लोगों को ऑर्डर देगा, भाई वो या तो फिर जैक होगा और या तो फिर रॉनी होगा। मेरे को पक्का भरोसा है भाई इन दोनों पे, ये दोनों में से एक ना एक जना गारंटीड आएगा भाई हम लोगों को ऑर्डर देने के लिए, और उसी का हम लोगों को फायदा उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर किसी के पास भी पूरे के पूरे सर्वर में विलेजर्स नहीं है, ट्रेड नहीं कर सकते, तो हमें इन सब चीज़ों का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा हुआ है कि हम लोग आज एक प्रॉपर विलेजर ट्रेडिंग ब्लैक मार्केट बनाने वाले हैं, ठीक है, लिलीविल सर्वर के अंदर। मुझे पता है तुम्हें से बहुत सारे लोग भाई स्ट्रीम्स मिस कर देते हो, इस संडे भी होने वाली है शाम के 6 बजे स्ट्रीम, तो टाइम से आ जाना, ठीक है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा सही में। एक मिनट, ये मैंने बंद कर दिया था क्या? हाँ, ये नहीं नहीं ओके, मैं गलत था गया। भाई शाम के 6 बजे स्ट्रीम होने वाली है संडे को भी, तो टाइम से आ जाना इस बार, ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 1 लाख वॉचिंग तोड़ दी थी, मतलब ऐसा दिखने का नहीं लगा, बट आगे जाके बताऊंगा तुम लोगों को हम लोगों ने कैसे 1 लाख वॉचिंग तोड़ी थी। तो हम लोगों को देखो क्या करना है, ये तो हम लोगों का पूरा एरिया है जहाँ पर हम लोग अपनी पीवीपी के लिए रेडी होते हैं जब भी रेडी होते हैं, बट अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक एरिया जहाँ पर हम अपने सारे विलेजर्स को रख सकें और ब्लैक मार्केट कर सकें उन सब चीज़ों की, ठीक है। तो हम लोगों को उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो मैंने जो सोचा हुआ है ना, देखो, विलेजर्स को लाने से पहले हम लोग वो एरिया बनाएंगे, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, विलेजर्स बहुत ज्यादा दूर से लाने, जिसमें मैं दिमाग लगा रहा हूं, कुछ कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग ऐसे ला सकते हैं, वो तो खैर देखेंगे अगर वो सक्सेसफुल होता भी है प्लान या नहीं होता है, वो तो देखने वाली बात होगी, बट फिर भी मतलब लेट्स सी। तो देखो हम लोग यहाँ से निकले, राइट, हम लोग ऐसे चलते हुए आए थे अपने सीक्रेट बेस से, है ना, हम लोग ऐसे चलते हुए आए थे। अब इस साइड को हमारा ये पॉन्ड है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये पॉन्ड का ही इतना सारा खेल क्यों है, ठीक है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली ना इसका यूज करना है, पॉन्ड का, समझ रहे हो। तो हम लोग अपना जो बेस है, जो ब्लैक मार्केट होने वाली है ना, वो इस पॉन्ड के नीचे ही बनानी है। उसके अंदर आने का रास्ता एक और अलग बनाऊंगा मैं, सीधी सी बात है, विलेजर्स को हम लोग यहाँ से ला सकते हैं, वो डूब के मर जाएंगे। तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को आगे जाके बताता हूँ, बट अभी के लिए हम लोगों को वो एरिया बनाना है इस जगह पर। F3 करके एक बार देख लेते हैं हम लोगों का एरिया किस जगह पर बन रहा है। हम लोगों का एरिया बनेगा एग्जैक्टली सेंटर, उसका लेंगे हम लोग 1242 -142, ठीक है, 1242 -142 का हम लोग सेंटर लेंगे और उस एरिया के अराउंड हम लोग अपना पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट बनाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले नीचे जाते हैं और थोड़ी सी खुदाई शुरू करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले उसके सेंटर पे जाना पड़ेगा, और सेंटर सैडली यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मजाक भी नहीं करूंगा भाई, सेंटर की एक दिक्कत हो चुकी है, रुको जरा। चलो हम लोग एक चीज करते हैं, सबसे पहले हम अपनी जेब से इतना भाई इतना कूड़ा भर रखा है ना मैंने अपनी जेब में, इतना कूड़ा कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। ये सारा स्टोन निकाल लेते हैं हम, अभी स्टोन की क्या जरूरत पड़ने वाली वो मैं तुम्हें बताता हूँ, बट सबसे पहले हम लोग को सेंटर ढूंढना पड़ेगा जो हम लोगों ने ऊपर ढूंढा था। तो गाइज अभी हम लोग बिल्कुल सेंटर पर खड़े, जहां से अगर ऊपर खोदेंगे तो हम लोगों को मिलेगा क्या,
बिल्कुल सही भाई, जो हमारा वो है ना पूरा का पूरा पॉन्ड है जो जैक ने बना रखा है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैं एक ब्लॉक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इसको तोड़ के ना यहाँ पर मैं कॉबल स्टोन का ब्लॉक लगा लेता हूँ ताकि मेरे को पता रहे ना कि मैंने अलग से लगा रखा है। तो ये हमारा सेंटर है जहाँ पर पॉन्ड आने वाला है। अब इसके अराउंड हम लोगों को एरिया बनाना है पूरा का पूरा, जहाँ पर हम लोगों के विलेजर्स रहेंगे और सब कुछ। देखो सीधी सी बात है कि मैं एक विलेजर तो रखने वाला नहीं, हर कोई मेंडिंग लेने तो नहीं आएगा, कोई शार्पनेस के लिए आएगा, कोई अनब्रेकिंग के लिए आएगा, कोई ऐसी चीज़ों के लिए आएगा। तो हम लोग को एक पूरी ब्लैक मार्केट बनानी है जहाँ पर हम कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी। सबसे ज़्यादा सीधी सी बात है मेंडिंग के लिए आने वाले लोग, क्योंकि मेंडिंग नॉर्मली नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए मेंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा लोग आने वाले हैं। यार मेरे पास एक्सपी नहीं है, वरना अभी मज़ा आ जाता है यार। मेरे को अपना ना बुक वुक भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी, या फिर रुको इस बार ना बुक वुक को मैं यहाँ पे रख... ओ ये रही मेरी शवल, नाइस नाइस, इसको रख लो, ये हमें नहीं चाहिए। बस सही है, सब कुछ ठीक है, इसको रख लेते हैं। चलो चलो चलो, ओके यहाँ से हम लोगों को अब पूरे के पूरे एरिया को ना क्या क्या शवल है, मैं सोच रहा हूँ इसमें एफिशिएंसी 5 या कुछ होगा, एफिशिएंसी 1 पड़ा है इसमें यार। नॉर्मली शवल जैसी काम कर रही है, जो स्टोन की शवल ही ऐसे करती है। चलो इसको हम लोग पूरा का पूरा थोड़ा सा फैलाते हैं दूर दूर तक का, ताकि हम लोग यहाँ पर आराम से ट्रेड कर सकें। और सबसे मेन चीज़ है कि ये उसके ग्राउंड लेवल में होना चाहिए, क्योंकि मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसको इतना ही हम लोगों ने खोदना है जितना कि वहाँ पर रहेगा, और ऊपर को थोड़ा बहुत बड़ा करना पड़ेगा। सीधी सी बात, मतलब बेसिकली वो रहेगा जितना जैसा वो है ना, सेम टू सेम वैसी रहेगा। मतलब हाइट देख रहे हो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 की हाइट है, और बाकी फिर चौड़ा तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, सीधी सी बात है, उसके हिसाब से नहीं रख सकते, है ना। तो ये चीज़ है, अभी हम लोग फटाफट से ये करते हैं, यहाँ पर इस एरिया को थोड़ा सा खोदते हैं, ठीक है। चलो ये भी सही है, पता है वैसे मेरे हिसाब से स्टोन से ज़्यादा नहीं, एक्चुअली सेम ही टूट रही है भाई, जितनी जल्दी स्टोन टूटता है उतनी जल्दी ग्रेवल टूट रहा है। तो मेरे को दो मिनट दो, मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा लाइक लेंथ का एरिया बना के लेके आता हूँ। हम लोग भाई लेजिट अपना ना नीचे ही नीचे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा एसएमपी के नीचे क्या चल रहा है। एंड बिलीव मी ब्रो, एसएमपी के नीचे नीचे एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देंगे हम लोग अपना यार। भाई देखो तुम लोग, लिली विल के नीचे ना अपना पूरा एम्पायर होगा भाई, किसी को कानो कान खबर भी नहीं चलेगी कि नीचे चल क्या रहा है भाई। यहाँ पर तो हम लोग अलग ही काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोगों को इसको बड़ा करना है। मैं अभी के लिए सोच रहा हूँ कि इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 हर जगह को खींचेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 10x10 का एक एरिया बना देंगे बड़ा सा, मतलब 10x10 भी नहीं, 10x10 से बड़ा ही बनेगा ये, 21x21 बनेगा गाइस, क्योंकि ऐसे जाएगा 10 ऐसे जाएगा और बीच में भी एक ब्लॉक है, तो 21x21 का कुछ बनेगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ऐसे करके। अब इधर को भी ये 10 जाएगा और इधर को भी ये 10 जाएगा, लैंटर्न नहीं जाएगा इधर, 10 वैसे ब्रेक जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ फटाफट से इस पूरे के पूरे एरिया को क्लियर करके तुम लोगों से दो मिनट के अंदर। दो मिनट में पूरा एरिया क्लियर, यस सर। एंड 10, आई जस्ट होप अगर ये मैंने सही करा होगा ना तो ये उस साइड से मैच करेगा बिल्कुल एकदम, जो हम लोगों ने इससे पहले लाइन खींची थी, ठीक है। 10 करेक्ट, 10 जाते ही हम लोगों को वो लाइन दिखनी चाहिए अगर हम लोगों ने इसको सही खोदा है। बिल्कुल सही खोदा है, ये परफेक्ट है। देखो तो हमारा एरिया हमें मिल चुका है, अब बस इसको 7 हाइट तक का खींचना है और उसके बाद चारों तरफ से खींचना है। तो यस सर, लेट्स गो, शुरू करते हैं। ओ भाई बाहर थंडरस्टॉर्म भी आ गया यार, मतलब रियल लाइफ में नहीं माइनक्राफ्ट में, बट यस। चलो 7 की हाइट, 1, ठीक है, 2 मैं, तीसरा मेरे ऊपर हाँ चौथा मेरे ऊपर, 5, 6 और 7, देर वी गो। हम लोग को बस इतना ही खोदना है इसको, एंड आई थिंक अगर हम लोग बॉटम पे खड़े होंगे तो हम लोग 7 से ज़्यादा हाइट वैसे भी खोद नहीं सकते, तो ये बेस्ट चीज़ हो गई, ठीक है। तो चलो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है मेरे को, सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो चलो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फटाफट से मैं इसको पूरा का पूरा भर के भी और 7 हाइट तक का खींच के भी तुम लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। यस सर, थोड़ी देर में बस। गाइस देखो ये एरिया मैंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया, अब ये प्रॉपर 21x21 का हो गया है। अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सेंटर हो गया, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आए गए, ठीक है।
10 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड को भी होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, इसके सामने बिल्कुल एकदम पूल का जो ऑलमोस्ट सेंटर होगा ना वो आएगा। अभी क्यों वो चाहिए हम लोगों को एकदम ऑलमोस्ट सेंटर, वो भी मैं तुम लोगों को आगे जाके बताऊंगा, बट अभी के लिए फटाफट से अपना स्टोन कटर लेके आते हैं। अभी स्टोन कटर लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई गेस, या मेरे को बस एक ही चीज करनी पड़ेगी, रुको जरा, मेरे को अपना स्टोन जो है ना स्टोन उठाना पड़ेगा सारा का सारा, और उसको ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लाइक काटना पड़ेगा, वो क्यों मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी हम लोग अब इसको थोड़ा सा बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। वो कैसे बंद करेंगे वो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। बस ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी रहेगा आई गेस, आई होप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जितना भी ये खुला खाला सा लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग बंद कर देंगे। यहाँ से आने की एंट्री तो देखो सीधी सी बात है, जैसी वो आ रखी है ऐसी करेंगे, बस एक और चौड़ा बना सकते हैं यहाँ पर से आने की एंट्री, और ऊपर जाने की ना दोनों की सेम कर दूंगा मैं, और नीचे आने की भी। ये हो गया, अभी इसको ना थोड़ा सा नहीं यूज़ करेंगे, कभी कभार जैसे अगर भूले भटके यूज़ कर लिया तो बात अलग है, बट वैसे हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको ना ही यूज़ करें तो बेटर है, ठीक है। ये हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक का रास्ता हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिकली एंट्री हो जाएगी यहां से, अगर हम लोगों को अपने उस वाले फार्म में फार्म नहीं मतलब उस वाले एरिया में जाना है तो। और बाकी इसको पूरा का पूरा ऐसे करके ढक के थोड़ा सा बंद कर देते हैं, बस देयर वी गो, चलो ठीक है। इसको ऐसे करके ढक के हम पूरा का पूरा बंद कर देंगे, यहाँ से अब आने जाने का हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और इसको भी हम लोग एरिया को भी ढक देंगे ताकि कोई कभी भटका बुला बाय चांस अगर यहाँ पर आ गया तो उसको मिले ना, ठीक है। वैसे कायदे से तो उसको मिले ना करके हम लोग यहाँ पर प्रॉपर एक स्क्वायर वाले शेप में स्टोन के ब्रिक्स लगा रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आएगा भी, ठीक है, क्योंकि आज तक नहीं आया तो अब क्या आएगा, राइट। चलो मैं तो उसी पे खेल रहा हूँ सच्ची बताऊँ तो बैट। वैसे मेरा मन था कि हम लोग ऐसा कर सकते थे कि सब कुछ ना बेड रॉक पे शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि बेड रॉक पे तो कोई नहीं जाएगा फिर, ठीक है। एक थोड़ा सा इन लोगों ने वो ख़राब कर दिया कि भाई यार अब डायमंड बेड रॉक पे मिलते हैं, तो इसकी वजह से बेड रॉक पे बहुत सारे लोग जाने की सोचते हैं, बट ठीक है ना, अब थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो चलो मेरे को थोड़ा टाइम दो, फटाफट से इसको पूरा का पूरा ढक के मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर, ओके। चलो मिलते हैं भाई, बाय बाय। गाइज हम लोगों ने देखो एरिया बना दिया जहाँ पर हम लोग अपने सारे के सारे विलेजर्स को रखने वाले हैं, बट अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एरिया पूरा का पूरा बंद हो चुका है, ढंग का हो चुका है, अब हम लोग इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा का पूरा ना ऐसे ढक देंगे, मतलब समझ रहे ना, ऐसा हम चलते हुए आ रहे तो इसको भी ढक देंगे पूरा पूरा ताकि गिरने का कोई चांस ना रहे। बट यस, ये एरिया बन चुका है, यहाँ पर हम लोग अपने सारे विलेजर्स को रखने वाले, जितना भी ब्लैक मार्केट या ट्रेड होने वाला ना वो यहाँ पर होगा, एंड आई होप हम लोगों को जल्दी जल्दी अपना पहला बल्क ऑर्डर भी मिल जाए जिससे हम लोग बहुत सारे डायमंड्स कमाएं और वो सारी चीज़ें। बट उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा काम धंधा शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को अपनी एक पूरा लाइक कैसे बताऊँ, पूरा का पूरी चीज़ ना हम लोगों को ना अपना पूरा का पूरा एक जो होता है इकोसिस्टम वो बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऊपर से ढकना पड़ेगा क्योंकि छत चूरी है भाई, मेरे को इसके ऊपर एक और लेयर लगानी पड़ेगी मेरे ख्याल से स्टोन की, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे। अभी के लिए फटाफट से जितनी भी दीवारें हैं ना सबको सबसे पहले ब्रिक्स से हम लोग चेंज कर देते हैं। गाइस मैंने पूरा का पूरा जो था ना जगह वो कर दिया है, बट अब बस एक छोटा सा डिटेल बचता है जो कि ये है, ठीक है। हम लोगों का रास्ता भी ना, अरे यार इसको तोड़ो भाई, थोड़ा बहुत हुआ क्या, हाँ हुआ हुआ, नाइस। इसमें से वैसे पाँच पाँच करके तो यार अच्छी यार, सभी से थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ेगा। चलो इसमें से भी ले लो, इसमें से भी ले लो, आई थिंक इतने से अपना काम हो जाना चाहिए, वैसा होगा नहीं पर फिर भी मतलब भाई मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक मतलब समझ रहा हूँ ना, जितना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म दिखा सकता हूँ मैं उतना ज़्यादा दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को पूरा का पूरा ढकना है हमारे आने जाने के रास्ते को ताकि हम लोग आराम से आ जा सकें। मेरा मन तो इसको देखो 2 की हाइट रखने का ताकि लाइक कभी कभार तेज भी दौड़ना पड़ता है ना, तो उसकी वजह से भी सही है, बट दिखने का कूल ये 3 की हाइट में लगेगा इधर से उधर जाने वाला। मेरे ख्याल से यार मैं हमेशा से जैसे करता आया हूँ, मैं भाई हमेशा ही प्रैक्टिकल ज़्यादा चुनता हूँ कूल के ऊपर, तो मैं तो 2 ही रखूँगा ताकि हम लोग जैसे जल्दी जल्दी जा रहे थे ऐसे समझ रहे ऐसे ऐसे करके जा सकते हैं स्पेस स्पैम करते हुए ना, तो थोड़ा सा इजी तो नहीं बोलेंगे लेकिन फास्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो फटाफट से जितना स्टोन है वो लो, और उसके बाद इस एरिया को पूरा का पूरा ढकने में शुरू हो जाओ, देयर वी गो, ठीक है। तो ये पूरा हो चुका है यार, एक ही जगह छूट रही है तो इसको भी कर ही देते ना फिर, खाली क्या थोड़े से के लिए रुकना नहीं, ये कर देते हैं। आप देखो यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे करके तेते जा सकते हैं एक दूसरे से लाइक एक जगह से दूसरी जगह, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया, आने जाने का पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये सब हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग विलेजर्स ले आते हैं और उसके बाद इसको सजाने का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम तो रहेगा ही, ठीक है। और मेरा ना एक चीज़ है कि देखो
लीगल क्या है, ठीक है। तुम दो विलेजर्स को ला सकते हो और उनसे जितनी ट्रेड निकाल सकते हो वो ट्रेड निकाल सकते हो, राइट। बट इलीगल क्या है कि तुम लोग उनके बच्चे करवाओ और फिर नए ट्रेडें निकलवाओ, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इलीगल ये चीज़ है कि उनको तुम्हें प्रॉपरली रखना है एज अ सिटीजन ऑफ लिलीविल, ठीक है। लेकिन यार जब काम पड़ता है तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि यार कभी कभार तो तुम लोगों को ऐसे करना पड़ता है ना, उनको बंद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है ये एरिया, ये कायदे छुपा हुआ एरिया, एकदम चुपचाप वाला एरिया है। देखो मेरे को यार उनको थोड़ा सा तो हाइट रखना ही पड़ेगा, वरना कोई भी आते जाते भाई उससे ट्रेड कर लेगा। मेरे पास कोई वो थोड़ा है, मतलब मेरे पास कोई भी कैसे बताऊँ, मेरे पास कोई भी प्रूफ थोड़ी ना है कि भाई यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ है ना। अब मैं कोई प्रूफ ही नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने इसको नीचे बना रखा था कि सारे विलेजर्स नीचे लाऊं मैं और उसके बाद यहाँ से देखी जाए जो भी होगा, ठीक है। तो हम लोगों का विलेजर्स को यहाँ पर लेके आना है, कैसे भी वो कैसे लाना है वो तो मेरे पास आइडिया है प्रॉपर, बट अभी के लिए यहाँ पर हमारा सारा का सारा सामान बन रहा है। अब चलो जल्दी से विलेजर्स को लेके आते हैं और उसके बाद इसको प्रॉपर सजाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बढ़िया अंडरग्राउंड लैब जैसी बना देंगे, जहाँ पर मतलब समझ लो ना सब कुछ होगा, एकदम खतरनाक खतरनाक कैसे बताऊँ, अमीरी दिखेगी बेसिकली, ठीक है ना, खतरनाक वाली। यहाँ पे मैंने कहीं पे हाँ ये रहा आयरन भी स्मेल्ट करने लगाया हुआ था। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस अपने क्राफ्टिंग टेबल नीचे रख लेते हैं। क्राफ्टिंग टेबल में सबसे पहले अपने लिए डोर्स बना लेते हैं, ठीक है, दो, एंड दैट्स इट, ठीक है। बस हम लोगों को इतना ही करना था, अब हमें कुछ नहीं करना है। इसके क्या कहते हैं, डोर का एक हैंडल बना लेना है, बस देयर वी गो। और ये हमारे लीवर भी तैयार हो गए, ठीक है, लीवर ये कर दिए, बस यहाँ से गए और अपना चल दिए। वैसे कायदे से इसको बंद करना, हाँ ये दिक्कत है बस एक कि ना लीवर में ना, तो मैं लीवर हटा ही रहा हूँ, क्योंकि लीवर में दिक्कत यहीं पे आ जाती है कि तुम जब भी इसका लाइक वो करते हो क्या कहते हो यूज़ करते हो तो ये फिर बंद हो जाते हैं, राइट, मतलब बंद नहीं हो पाते दूसरी साइड से। अगर हम लोग ट्रेड करके बगल वाले में गए तो ये खुला ही रह जाएगा फिर, समझ रहे हो, तो ये दिक्कत हो जाती है। बट एक साइड पर बटन और एक साइड पर लीवर आई गेस काम करता है, बट वही वाली बात है, फ़ायदा क्या हुआ नहीं। चलो अभी के लिए ये सही हो गया, हमारा ये एरिया हो गया, और फिर हम लोगों को अगर उधर जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। बस मैंने इधर के लिए बटन नहीं बनाए, तो इधर के लिए भी बटन बना देते हैं, देयर वी गो, ठीक है। हम लोगों को जाना है तो हम ऐसे करके जाके बटन दबा, वैसे एक्चुअली यहाँ से उधर को जाने के लिए हम लोगों को आई डोंट थिंक सो बटन की ज़रूरत भी पड़ने वाली, क्योंकि हम लोग यहाँ से तो वही जाएगा ना जो बंदा क्या कहते उसे प्रॉपर ऑथराइज्ड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पर तो जो भी आएगा वो ऑथराइज्ड है, वो यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे, ये दबाएंगे और आ जाएंगे। बट यहाँ से उधर को जाने के लिए चाहिए कि यहाँ पे विलेजर्स होंगे, तो वो बटन दबा के ना आ जाए, ये हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। बस ये चले गए, ये खुल गया दोबारा से रास्ता, तो ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग कैसे भी यहाँ पर विलेजर्स लेके आने हैं, वो कैसे करूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ से लेके आने हैं हमने पूरे के पूरे, समझ रहे हो ना कहाँ से। भाई मेरे पास एक ही आइडिया आ रहा है अभी के लिए, जो कि इज़ द ओनली आइडिया अगर सच्ची बताऊं तो, जो मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा है कि कैसे 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 कैसे, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया घूम रहा है कि हम लोग नेदर के रास्ते से लेके आते हैं, ठीक है, थीके? जो हमारे विलेजर्स होंगे उनको नेदर के रास्ते से लेके आएंगे तो थोड़ा सा ईजी बैठ जाएगा हमारे लिए। और मैं नीचे नहीं जाना चाह रहा था, मैं बस दो मिनट के लिए यार एस्केप दबा रहा था, ये भी तो दिक्कत है ना। अगर हम लोग उनको नेदर से लेके आएंगे तो शायद से इजी होगा, कि नेदर में सबको पता है कि 8 ब्लॉक्स लाइक 1 ब्लॉक इन नेदर इज इक्वल्स टू 8 ब्लॉक्स इन ओवरवर्ल्ड, राइट। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दूर जाना है वो। वेट अ मिनट, यहाँ पे वांटिंग ट्रेडर आया भाई क्या? हाँ वाह, मेरे को सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को लगा विलेजर की आवाज़ है। एक बार देखते हैं क्या दे रहा है, कुछ अच्छा भी दे रहा है क्या? बकेट ऑफ बस ये फिश दे रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ट्रॉपिकल फिश ही तो चाहिए थी मुझे, देखो ये परफेक्ट है, बता तुम्हें। यहाँ से अगर मैं नीचे खोदूंगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों को मिलेगा, बट अब भी नहीं खोदना, हम लोगों को बाद में बनाना, मैं प्रॉपर लिफ्ट बनाऊंगा इस बारी हल्का काम नहीं करेंगे, इस बारी प्रॉपर भारी काम होगा, ठीक है। चलो अभी के लिए तो फटाफट से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, ढेर सारा लावा लेके आते हैं, बेसिकली ऑब्सिडियन लेके आते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर और वहाँ पर एक क्या कहते हैं वो बना सकें, आने जाने के लिए पोर्टल्स बना सके, ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो हम लोगों को 20 चाहिए होगा ऑब्सीडियन, तो चलो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को जाना पड़ेगा उस जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं। भाई मजाक से हट के यहाँ के बारे में लाइक लोगों को पता है, सबको पता है, बट जाता बहुत कम लोग हैं लाइक सही बताऊँ तो, ठीक है। चलो चलते हैं फटाफट से यहाँ से नीचे को, चल 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 भाई, जो भी बोलो ये हैकर्स ने ना ये कैरेट दे के बहुत सही काम कर दिया हम लोगों को भाई, वरना कैरेट होती नहीं थी भाई, कितना कर लो, मतलब कैरेट क्या खाने के लिए ही देखते रहना पड़ जाता था, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना है, वो मैं गलती से एक्चुअली नेदर के अंदर आ गया, हमें नेदर के अंदर नहीं आना है, हमें रहना बाहर ही है, पर आसपास का जो हमारा लावा है ना इसको यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो इसकी वैसे भी यूज़ नहीं है, तो मैं इसको पहले तो ढक देता हूँ पूरा का पूरा, एंड आई जस्ट होप इसके नीचे आवाज़ तो आ रही है वैसे मुझे, इसके नीचे और लावा तो है वैसे सही बताऊँ तो, बट लेट्स होप, ठीक है। एक तो इसमें एफिशिएंसी भी नहीं है पिकैक्स में, जितना टाइम लगने वाला ना 20 ऑब्सीडियन में, मैं ही जानता हूँ भाई। तो चलो मेरे को
दो मिनट दे दो, 20 ऑब्सीडियन तोड़ के लाता हूँ 2 मिनट के अंदर, 20 ऑब्सीडियन 2 मिनट। ये भाई मैंने कुछ भी नहीं करा है, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो मिस्टर जॉम्बी फाइट पिगलिन आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं निर्दोष हूँ और मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था जब लास्ट टाइम मैंने एक जॉम्बी फाइट पिगलिन को मारा था वाली बात हुई थी। एक्चुअल में उसने अच्छा चले भी गया, उसको मेरी कहानी नहीं सुनी थी पूरी यार। गाइस इसी के साथ हम लोगों ने 21 ले लिए हैं, लाइक 21 हमारे पास टोटल में ही हो चुका है। मेरा मन कर रहा है इसको भी तोड़ दे क्या, उतनी दूर तक का वैसे करता है, लाइक अलग अलग पोर्टल्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, थोड़ा भी कहाँ है यार, उतनी भी दूर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही दूर है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। और फैंटम्स नहीं आ रहे भाई, मैं पता नहीं कब से नहीं सोया, मेरे को नहीं पता, बट ठीक है अच्छी बात है फैंटम्स नहीं आ रहे हैं तो भाई ये कोई ऐसे थोड़ा कि फैंटम नहीं आ रहे भाई, अच्छी चीज़ है ना आए भाई, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है अब हम लोगों को क्या करना, देखो एक हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर खोलना है पोर्टल, ठीक है इसके नीचे जाके, अभी के लिए यहाँ से रास्ता नहीं बनाया तो हम लोगों को नॉर्मल अपना जो बेसिक रास्ता है वो यूज़ करना पड़ेगा, बट यही चीज़ है ना रात को भाई आने का यही मेरा मकसद था और ये प्रॉपर पूरा भी हो रहा है, कोई भी मेरे को बीच में परेशान करने नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वजह से ना बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, समझ रहे हो ना तुम, इस चीज़ को बनाने में मेरे को इतने घंटों के घंटों लग जाते ना मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं इसको तोड़ो तोड़ो और यहाँ पर देर वी गो 1 2 1 2 3 ठीक है और उसके बाद देर वी गो और 1 2 ठीक है ये अपना हो चुका है और मैं फ्लिंट एंड स्टील नहीं लाया हूँ बट अपने पास आयरन और फ्लिंट दोनों पड़ा हुआ है तो लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाके नेदर को रीलोड नहीं नेदर को लोड कर लेते हैं, अभी सबसे ज़्यादा टफ काम यही पड़ने वाला है। यार मेरे को लग ही रहा था यार वो दोनों कनेक्ट हो गए यार सैडली, अब मेरे को कैसे भी काम करना पड़ेगा, अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता बट कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी ये दोनों कनेक्ट नहीं होने चाहिए थे यार, नहीं होने चाहिए थे, मैं मजाक नहीं करूँगा जी यार। चलो ठीक है अभी के लिए हम लोग इसको तोड़ देते हैं ये वाले को, ये हम लोग बाद में एक्टिव करेंगे जब हम लोग वहाँ वाला बंद करवा देंगे ठीक है, क्योंकि वो कायदे से पता भी नहीं चलना चाहिए लोगों को कि वहाँ पर एक पोर्टल है और हम लोगों को इसीलिए पूरी रात भर बैठ के कैसे भी करना है मुझे नहीं पता कैसे होगा बट ये रात भर बैठ के करना है, बट करना है तो करना है आज ही होना चाहिए, इसमें हमारे पास सेकंड डे है ही नहीं। अगर किसी को भी हल्की सी भनक पड़ गई ना कि कहाँ पर है विलेजर्स तो भाई वो लोग फिर फ्री में ट्रेड्स ले लेंगे और हमारा फिर कोई मतलब ही नहीं होता बिजनेस खोले का, हमने क्यों अपना सब कुछ दे के दाव पे लगा के, भाई यार ये अलग ही है भाई, हमने अपना सब कुछ दे के दाव पे लगा के ऐसी थोड़ी ना फ्री के लिए थोड़ी ना कर रखा है ना, खाली लोग आए और चुपचाप आके ट्रेड करके निकल लेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। चलो अभी फटाफट से दोबारा से ट्राई करते हैं, लेट्स होप कि ये काम लाइक ये अब हमें वहाँ ले जाएगा बट वहाँ वाला नहीं, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ राइट। चलो अब हम लोग दोबारा से यहाँ पर आएँ बट अगर हम वापस जाएंगे तो आई होप हम लोग अपने ही वाले पे जाएँ ठीक है। ओके नाइस वेल डन ठीक है, थोड़ा सा तो काम करा हल्का सा काम करा बट अभी बहुत लंबी बातचीत है ठीक है, मेरे को एक्चुअली जाना ही नहीं है, मैं पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है अभी कि मेरे को विलेजर्स को कैसे लेके आना है क्या करना है, तो चलो ये जैक की पता नहीं 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है मेरे को मजाक से हट के हर बारी बाहर निकलने के लिए। अब हमें जाना पड़ेगा उस विलेज में जहाँ पर हम लोगों ने वो विलेजर्स बना के रखे थे और वहाँ से नेदर का रास्ता यहाँ तक का बनाना पड़ेगा जो कि ईजी तो नहीं होने वाला यार, कैसे करूँगा पता नहीं बट करना तो पड़ेगा ही और आज रात को ही करना पड़ेगा। 3 बज चुके, मैंने तुम्हें 1:30 बताया था, 3 बज चुके हैं, 3 अब पता नहीं सुबह के 6 बजे तक लगेगा टाइम या फिर कितने बजे तक लगेगा, बट ये चीज़ अगर अभी नहीं हुई ना तो ये कभी नहीं हो पाएगी। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं सीधे विलेजर्स के गांव तक का ठीक है, हम लोगों को विलेजर्स के बेसिकली गांव में जाना है अब। चलो 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 फटाफट 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 और मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मेरे पास अभी आर्मा बहुत ही गंदा है ना, उसमें प्रॉट है ना उसमें कुछ है ना उसमें फेदर फॉलिंग है, तो मैं जैसे ये कर रहा हूँ ना अभी ट्राइडेंट से उड़ने उड़ने वाला काम, मैं जेन्युइनली मर सकता हूँ, जैसे ये देखो मैं बोलने वाला था, मैं जेन्युइनली मर सकता हूँ अगर मैंने ज़्यादा अपनी वाटर बकेट्स मिस करी तो। अरे तू कहाँ छुएगा मेरे को, बेटे तू अभी ये देख रहे हो पानी ही ग्लिच हो गया, वो पीछे का पानी उठा ही नहीं है, वो पानी ही ग्लिच हो गया, ऐसे तो आधा टाइम मर जाऊंगा मैं। ये रहा देव का इलीगल फार्म जो हम लोगों ने लास्ट स्ट्रीम में तोड़ दिया था, भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बारी संडे वाली स्ट्रीम पे गारंटीड आओ, तुम्हें यकीन नहीं होगा जो संडे को लास्ट संडे को स्ट्रीम हुई थी ना उसमें जिस समय पे हम लोग प्रॉपर फाइट कर रहे थे हैकर्स के साथ उस टाइम पे बहुत देर तक का 97.5K पे वॉचिंग अटक गई,
ठीक है, ये मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला हुआ है, इंस्टा पे फॉलो नहीं करे तो कर लेना। बट यस, मैंने भाई ये चीज़ देखी कि 97.5 के में 20 मिनट तक का वॉचिंग कैसे रुक सकती है भाई, अटक कैसे सकती है इतनी देर तक का, कि ना बंदे छोड़ के जा रहे हैं और ना नए बंदे आ रहे हैं। बाद में मैंने चेक करा तो करेक्ट उसी टाइम पे जिस समय हम लोग फाइट कर रहे थे वॉचिंग गई हुई थी 101 पॉइंट कुछ या 104 पॉइंट कुछ, मेरे को अभी प्रॉपरली याद नहीं है, बट ऐसा कुछ गई हुई थी। भाई मेरे को इतना बुरा लगा ना कि YouTube के ग्लिच की वजह से हम लोग 100 के वॉचिंग नहीं देख पाए भाई, जो सैड हुआ ना मेरे को दिल में, मैं बता नहीं सकता भाई। संडे गारंटी ट्राई करेंगे, शाम को 6 बजे सारे के सारे आ जाना टाइम पे भाई, YouTube पे स्ट्रीम करेंगे मस्त वाली, तो सारे के सारे टाइम पे आ जाना। और ये रहे मेरे दोनों के दोनों विलेजर्स, हाँ भाई ये रहा भाई, ये वाला मस्त ट्रेड करता है, ये हमें एमरल्ड्स की पेटी बना के देगा, और ये वाले बंदे से हम मेंडिंग वेंडिंग सब कुछ लेंगे। अब हमें इनको लेके जाना है यहाँ से वहाँ तक का। अब इनको ले जाने से पहले हम लोगों को, वैसे जेन्युइनली हम लोगों को इनको ले जाने से पहले खुद जाके देखना पड़ेगा और एक रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है अगर हम इनको बोट के थ्रू भी ले जा रहे हैं तो हम लोगों के पास कुछ होना चाहिए कि देयर वी गो। अगर हम लोग इनको बोट के थ्रू बेसिकली ले जा रहे हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर रास्ता होना चाहिए पूरा का पूरा, ना कि इधर उधर जा रहे हैं। एंड आई होप रास्ता ज़्यादा ख़राब ना हो। ओके प्लीज़ बोल दे कि ये आसपास ही है अपना दूसरा वाला पोर्टल, क्योंकि होना तो पास चाहिए, मतलब हद से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए बट बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं कन्फर्म है। तो चलो देख लेते एक बारी, ये वाला फोर्ट्रेस है। अरे यार ये नॉर्मल पिगलिंस ना यार यही खून खराबा करवाते हैं यार, और कुछ ज़्यादा वुड खर्चा नहीं करते हैं ये भी नहीं। मैं कॉबल स्टोन क्यों नहीं लेके आया भाई, मेरे को एक बार दोबारा से विलेज में जाना पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मेरे पास कुछ ब्लॉक्स ही नहीं है। मैं रास्ता कैसे बनाऊंगा इनकी बोट्स लाने का, पहले मेरे को देखना पड़ेगा बस कि कहाँ पर है, क्योंकि है बगल में बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 8 ब्लॉक्स का फ़र्क है। अगर ये बाय चांस विलेज मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 200 ब्लॉक दूर भी है तो यहीं पर होना चाहिए। मैं बोलने वाला था हमारा पोर्टल यहीं पर होना चाहिए, तो अब हम लोगों को उस पोर्टल से जो कि यहाँ से दिख रहा है, देखो उस पोर्टल से इस पोर्टल को जोड़ना है, ठीक है। कौन से वाले पोर्टल को तुम लोग बोल रहे हो कि भाई हमें तो कोई पोर्टल नहीं दिख रहा है, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें पोर्टल, भाई यहीं पर है बिल्कुल एकदम बगल में। चलो फटाफट से खोदो यार, ये कैसी पिकैक्स बनाई है मैंने जिसमें एफिशिएंसी नहीं है भाई, इसमें लूटिंग है, अनब्रेकिंग है, लूटिंग कह रहा हूँ, इसमें क्या कहते हैं तुम्हारा फॉर्चून है और अनब्रेकिंग है, बट इसमें मेन चीज़ ही नहीं है। और मैं ऐसे खोद रहा हूँ ना नीचे को, ये अच्छा आइडिया नहीं है मेरे दोस्त। देयर वी गो, ये रहा हमारा रास्ता, ठीक है। तो हमें इसको पूरा का पूरा कनेक्ट करना है वहाँ तक का, समझ रहे हो ना, यहाँ से लेके हम लोगों को इसको प्रॉपर बोट चलाने लायक रास्ता बनाना है वहाँ तक का, नेदर के बीच से। ओके सर, बहुत इजी टास्क होगा होपफुली, सो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं जाके जितना ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा कॉबलस्टोन लेके आते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल भी नेदर एक यूज़ नहीं करने वाला, मुझे पता है तुम लोग बोलोगे नेदर एक कर लो भाई, नेदर एक करो, बट नेदर एक का यूज़ मैं नहीं करने वाला, क्योंकि नेदर एक बहुत ईजिली टूटती है, और अगर कुछ भी गलती हो गई मेरे से और मेरे विलेजर्स मर गए तो भाई मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मजाक करो, मतलब दो बंदों की भाई जान की बात है यार, भाई दोबारा नहीं मिलने वाला ऐसा मौका, समझ रहे हो ना तुम लोग। वो ऑक्शन में मिल गए मेरे को दो विलेजर, ये विलेजर कभी किसी को दोबारा नहीं मिलने वाले, यही दो विलेजर है, लास्ट दो विलेजर, समझ रहे हो ना। चलो अभी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे पहले इसको ऐसे बनाना पड़ेगा रास्ता, ठीक है। अब हम लोगों को इसको एक ऊपर और करके लेके आना पड़ेगा, और मुझे इसको मजाक से हट के मेरे को नहीं पता है कैसे होने वाला है, लाइक ये टास्क होने वाला है सच्ची में, पता है कितना हम लोगों को ये रास्ते को प्रॉपर यहाँ से वहाँ तक का करना है। मेरा मन तो यार आइस बोट का था, बट वही सेम चीज़ जो कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताई, मतलब पिछली बार क्या मैंने अभी बताई तुम्हें, कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, तुम समझ रहे हो, मैं आइस बोट का भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि यू नेवर नो कि भाई क्या गलत हो जाए, कब गलत हो जाए, राइट। तो मैं आइस बोट का भी, भाई ये खुद से आ रहे रास्ते में, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी कोई फाइट लेने के मूड में नहीं हूँ तुम लोगों से, और ना ही मैं लेना चाहता हूँ तुम लोगों से अभी फाइट। ये हर जगह भाई अपने गूंज बैठाए रहते हैं, ये पिटवा देंगे हम लोगों को, पता भी नहीं चलेगा भाई। चलो अब हम लोगों को इसको पूरा वहाँ तक लेके जाना है। अभी मेरे पास एक आइडिया तो है वैसे छोटा सा, जिससे हम लोगों का काम थोड़ा सा ईजी होगा, लाइक ऐसा नहीं कि भाई आसान ही हो जाएगा, अरे हो गया काम ऐसे वाला भी नहीं, बट थोड़ा सा ईजी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, हम लोगों को इसको पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ तक का बिल्ड करना है। चलो भाई ये देख रहे हो भाई, बेड वॉर्स खेल खेल के मेरे को थोड़ा बहुत फास्ट ब्रिजिंग तो आ गई थी, मतलब ऐसा गॉड ब्रिजिंग तो नहीं बोलूँगा बट हाँ फास्ट ब्रिजिंग तो आ गई थी थोड़ी, तो देख रहे हो, ये देख रहे हो लावा के ऊपर अभी मर गए ना, कुछ है भी नहीं, ना फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन है ना कुछ है, चुस्स 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 और टुस्स हो जाएगी उसके बाद।
हम लोगों को सबसे पहले इस लावा को बंद करना पड़ेगा। अभी मेरे पास जो आइडिया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले ये लावा बंद करके आता हूँ। गाइस मैंने लावा पूरा का पूरा बंद कर दिया। अब जो मेरा आइडिया है वो कुछ ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना इसको बस हो जा बस भगवान प्लीज़ कोई गेस्ट या कुछ भी ना आए अभी यार, प्लीज़ भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रो दूंगा। ठीक है, अब हम लोगों को वहाँ से यहाँ तक का इसको लेके आना है। अब वो वाला चैलेंज होने वाला है तगड़ा, सो लेट्स गो। ये हमारा बेसिकली अभी देखो बोट के लिए कोर्स बन रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग अपनी बोट को चला के लेके आने वाले हैं, विलेजर से भरी हुई बोट, खाली बोट नहीं, ठीक है, विलेजर से भरी हुई बोट को हम चला के लेके आने वाले हैं, सो लेट्स गो। पता नहीं यार, मेरे को सच्ची में डर लग रहा है, मेरे को नहीं पता ये मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये हो भी पाएगा, पर मैं सच्ची में नहीं चाहता कि मेरे विलेजर्स मरे भाई, क्योंकि कोई दूसरा चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार मर गए तो क्या हो गया, नए विलेजर ले आओ, नहीं ब्रो, वही दो लीगल विलेजर्स हैं अभी जो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनसे मैं कायदे से वैसे इलीगल ट्रेडिंग टाइप चीज़ करने वाला हूँ, बट फिर भी मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, लंबी स्टोरी सोचो, ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। अब हम लोगों को सोचो, यहाँ से हम लोग अगर विलेजर्स को लेके आ जाते हैं बोट विलेजर्स की, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से विलेजर्स की बोट को लेके आ जाते हैं, हम लोगों को वहाँ तक कनेक्ट कराना है, बाकी रास्ता मैं बना चुका हूँ, राइट, तो हम लोग इसको दोबारा से वही करते हैं। चलो चल 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 चल, लावा के ऊपर से फास्ट ब्रिज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे थे। ओके देयर वी गो, बस आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है, वैसे मेरे को कंफर्म नहीं पता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इतना काफ़ी रहेगा। हम लोग यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से अपनी बोट को नीचे गिराएंगे, फिर वहाँ से लाएंगे, ऐसे करके बोट को ले जाएंगे। रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पूरा रास्ता, ठीक है। पैंट में शुशु मत करना, ला ला ली ला लो, आ जामो, देर वी गो, ठीक है, हम लोगों ने रास्ता देखो पूरा बना दिया, एक बार टेस्ट कर लेते इसको, ठीक है, चलो देखते हैं भाई, आई होप ये काम करे, ठीक है, मैं बस यही बोलूँगा। चलो भाई आ जाओ, ठीक है, हम लोग उनको यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग उनको ऐसे लेके आएंगे, रुको ये तो सेफ एरियाज है, राइट, सारे के सारे, इनसे हमें डर नहीं है, हमें डर कहाँ पर है, वो वाली जगह पे, राइट, यहाँ से हम लोगों को विलेजर्स को एक बार नीचे गिराना। ओ भाई ये देखो, इसको ना थोड़ा सा और बड़ा करो, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से गिरा के इनको यहाँ को लेके आएंगे, ठीक है, चलो चलो रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, प्लीज़ टकराना मत मेरे से। ओके हम लोग इनको यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, फिर ये भी इजी है, ठीक है, यहाँ से हम लोग इनको यहाँ पर लेके आएंगे, फिर यहाँ से नीचे, और अब आता है हार्ड पार्ट, ठीक है, ये है वो पार्ट जिसके लिए मैं कह रहा था, देखो यहाँ से हम लोग उनको विलेजर्स को लेके आएंगे, एंड देयर वी गो। भाई थोड़ा सा गिरा मैं, ओह नो, ये नहीं गाइस, ये नहीं, नो वे, नहीं, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं यार, यही नहीं, बस गाइस यही नहीं चाहिए मेरे को, एक चीज़ यार, ये अगर मेरे विलेजर्स मार देगी ना मैं रो दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, गेस्ट आ गई और इसने मेरे विलेजर्स मार दिए ना, मैं कभी किसी गेस्ट को भाई दोबारा माफ़ नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए भाई, मैं सच्ची में रो दूंगा अगर बाई चांस गेस्ट ने ऐसा कुछ कर दिया तो उस टाइम पर, ठीक है यार, कम ऑन ब्रो, प्लीज़ नहीं करना, गेस्ट तू दोस्त है मेरी, ठीक है, आज के लिए, वैसे तो वो है दीदी है मेरी तू, पर फिर भी भाई लेट्स गो गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, ओके लेट्स डू दिस। ओके रुको रुको गाइज, मैं गधा हूं, ठीक है, बोट थोड़ी ना आएगी पूरी की पूरी, तो हम लोगों को ना सबसे पहले यहां पर एंट्री स्पॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं बेवकूफों की तरह सोच रहा हूँ कि पूरी बोट ही आ जाएगी भाई यार, चलो छोड़ो, ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो फटाफट से इसको तोड़ो, देयर वी गो, बस इसको पूरा का पूरा बंद कर दो बेसिकली किसी भी जगह से, ठीक है, कहीं से भी और विलेजर निकलना ही नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर एक बार नेदर में भटक गया ना विलेजर, फिर तुम भूल जाओगे तुम्हें तुम्हारा विलेजर कभी भी वापस मिल रहा है, ठीक है, इसको भी मैं ढक रहा हूँ जस्ट इन केस अगर कुछ हो गया, पिक्सल से इधर उधर निकल गया वो, आई डोंट नो क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग उसको लेके आएंगे और फिर बोट में बैठाएंगे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, उसके बाद मैं इसको तोड़ दूंगा पूरा का पूरा, बस इसको परफेक्टली बैठा दो, एंड अगर ये बोट मैं तोड़ता हूँ आई होप ये नेदर में चले जाए, यस चले गया, बढ़िया, ओके ओके, पीस 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 पीस, आ जा, यस, पहले देख लो कहीं पर भी कोई गेस्ट या स्केलेटन तो नहीं दिख रहा ना,
लेट्स गो मेरे विलेजर, लेट्स डू दिस बॉयज। मेरे को F5 में खेलना पड़ेगा अभी, ये एक तरह से फोर्ज़ा होराइज़न चल रहा है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ भी कांप रहे भाई थोड़े से भाई, ये लेजिट फोर्ज़ा होराइज़न चल रहा है अभी, हम F5 में गाड़ी चला रहे हैं अपनी, कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं जानी चाहिए। ओके, ये बहुत बड़ा जंप था, थोड़ा सा दिल धकधकाया मेरा भाई, ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ कर रहा हूँ मैं लिली में, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर एक भी विलेजर मरा ना तो मैं नहीं, हाँ मत करना बेटे मत करना, बहुत मारूंगा। ओके विलेजर, बस एक सेकंड यहाँ पे रुक, ठीक है मैं एक बार देख के आता हूँ वो गेस्ट अभी भी है या चले गई है। ओके चले गई है, नाइस नाइस, यही मेरा टाइम है, यही मेरा मोमेंट टू स्ट्राइक है गाइस, यही मेरा टाइम है, यही मेरा मोमेंट टू स्ट्राइक है, लेट्स गो लेट्स डू दिस, चल 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 चल, इससे पहले कोई भी आए, ये क्या आवाज़ आ रही है। ओके वो बदतमीज कहीं का, अगर इसने तीर मारना है विलेजर का और मर गया है विलेजर, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा जितने पिगलिन घूमते हैं यहाँ। ओके ये क्या है, ये क्या है, टूटा क्यों है, टूटा क्यों है। ओके प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, नाइस चलो चलो चलो, ये तो तोड़ना पड़ेगा, अरे एक मिनट मेरे को छोड़ के तोड़ना पड़ेगा गाइस, चलो 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 चलो, नो टाइम टू वेस्ट गाइस, नो टाइम टू वेस्ट, ठीक है कोई टाइम नहीं अपने पास वेस्ट करने के लिए, फाइव में खेल लेता हूँ। चलो अब मुझे दोबारा से वही सेम चीज़ यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है कि बोट तो अंदर जाएगी नहीं बट विलेजर जाएगा, तो हम लोगों को सेम चीज़ यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी, ठीक है जो मैंने वहाँ पर बनाई थी। So, ठीक है मैं इसको ऊपर से ही बंद कर रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ यहाँ पर आ गई तो, ठीक है यू नेवर नो भाई क्या हो जाए, और फिर अगर ऐसी जगह पे हम बंद हो गए विलेजर और मैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे बोट को आगे लेके जाना है, और यहाँ पे लावा क्यों है। ओके मिस्टर विलेजर प्लीज प्लीज डोंट फेल मी ब्रो, प्लीज डोंट फेल मी, ठीक है चल मेरे विलेजर, यस के धीरे बोलना पड़ेगा, पापा लोग सो रहे हैं भाई, डंडा मारेंगे आके, लेट्स गो गाइस। नहीं 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 विलेजर बाबू, विलेजर बाबू, विलेजर बाबू, विलेजर बाबू इधर आओ मेरे भैया। ओके कैसे बुलाऊं इसको, अरे भाई प्लीज भाई जॉब ब्लॉक से आ जा, प्लीज प्लीज भाई विलेजर भाई आ जा, आ जा यहाँ पर आ जा, जॉब ब्लॉक ले ले अपना, नाइस 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 नाइस, चलो 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 इसको बंद करो जल्दी से, इससे पहले वापस से नेदर में चले जाए, ठीक है मेरे को भाई मैंने छोटी छोटी चीज़ का ध्यान नहीं दिया था, बट भाई ऑल इज़ वेल एंड्स वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है तो ये हो गया, ये वापस से बंद कर देते हम लोग, एक्चुअली इसको एक और आगे को खींच लेता हूँ मैं जस्ट इन केस अगर कुछ भी गलत सलत ना हो, ठीक है। भाई मैं सच्ची में बहुत घबराया वो अभी, क्योंकि अभी दूसरा विलेजर आया नहीं और वो थोड़ा मेन विलेजर है, वो मेंडिंग विलेजर है, तुम समझ रहे हो, वो मेंडिंग करवाएगा भाई, लेट्स डू दिस बॉयज, लेट्स डू दिस भाई, अभी तक का काम करा है हमारे लिए, आई जस्ट होप सेकेंड टाइम पे कुछ भी ना हो जाए भाई, गेस्ट वेस्ट आ गई, अगर कुछ भी उल्टा हो गया ना मैं रो दूंगा भाई, आज यार ये चांस दोबारा नहीं मिलने वाला हम लोगों को, ये जो दो हंसों का जोड़ा मिल गया ना हमें भाई, मतलब दो विलेजर्स का जो जोड़ा मिल गया है ये हमारे लिए लेजिट भाई वरदान टाइप है अगर देखा जाए तो, है ना सही कहा ना भाई। चलो आप हटो यहाँ से, कोर्स से हटो, हाँ भाई वो मरता नहीं है, वो लावा में भी तैरता है, ठीक है तो उसका टेंशन मत लो तुम, ऐसे नहीं कि मैं अपने विलेजर्स को मार रहा हूँ और उनको वो कर रहा हूँ, मतलब अपने विलेजर्स को बचा रहा हूँ और उनको मार रहा हूँ। चलो 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 फटाफट से लेके आते हैं अपने मेंडिंग वाले विलेजर को, एंड होप करते हैं कि ये इज्जत से आ जाए, ढंग से आ जाए, ठीक है। नो 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 नहीं, भाई यहाँ क्या हो रहा है, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो रहा है क्या, ओह शिट भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पे कहीं पर तो स्पॉनर है ज़ॉम्बी। ओके आई थिंक मेरा बेस्ट बैट है कि हाँ विलेजर को भेज दो, वहां इधर आ, इधर वहां कहाँ जा रहा है, आ जा तुझे बताता हूँ, आ जा हैं मुझसे पंगे बेटा, ले भी मत लेना, मेरा बेस्ट बैट वही था भाई कि विलेजर को मैंने सेफ पहुंचा दिया नेदर पे। नो वे, डोंट टेल मी गाइस, ये डील अभी अभी बहुत ज्यादा इलीगल हो गई है भाई, मेरा दिमाग नहीं चला यार, मैंने वो बोट तोड़ दी और वो, अबे यार वो बंदा अंदर चले गया, और फिर अंदर जाने के बाद तुम समझ रहे हो ना क्या हुआ उसके साथ,
उसको सारे के सारे जॉम्बीज ने मिलके मार दिया, मैं गधे जैसा भाई, मैंने सोचा वहां सेफ रहेंगे, मैंने देखा नहीं कि वहां पे ऑलरेडी 3 जॉम्बी घुस चुके हैं। देखो अब मैंने इतनी मेहनत कर दी है और मैंने इतना ज़्यादा दिमाग लगा दिया है, सब कुछ कर दिया, तो मैं खाली हाथ तो जाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। तो एक कायदे से एक लीगल डील थी जहाँ पे मेरे पास 2 विलेजर्स थे, सब कुछ थे, बट ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, तो थोड़ा सा गलत होने वाला है यहाँ पे। पर ये जो मल्टी शॉट वाला है ना, या ब्रदर यू आर कमिंग विद मी, सॉरी बट नॉट सॉरी, आज जल्दी इसको मेरे को अपने साथ लेके आना पड़ेगा, बैट दिखा के कोई भी विलेजर आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं। आ गया, तुम लोगों ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया भाई। फिर से बैट तोड़ो और बैट को यहाँ पे लगा दो, ओके नाइस नाइस, और बैट के आगे फट से ये लगा दो, बस बैट दिखाते हुए ये ले गए, और अब इसको लेके जाना है हम लोगों ने वहाँ। भाई यार मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में भाई, जो अभी ये पूरी बेवकूफ़ी हुई है ना भाई एक ही सेकेंड के अंदर अंदर, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता भाई। कुछ थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे क्योंकि हल्का सा ना विलेजर आगे को भागते हैं, मेरे को पहले इसको पूरा का पूरा बंद करना पड़ेगा, अगर मैंने खोला था तो, नहीं खोला था बढ़िया। चलो भाई यार मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मेरा कैसा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, एक मैं सोच ही रहा था बस सब कुछ सही से हो जाए, बस सब कुछ सही से हो जाए, और बोलते ही हगा भाई। चलो आई जस्ट होप अब कुछ ना हो, ठीक है। ये वाला विलेजर मैं लेके आ रहा हूँ, बट ये बात तुम्हारे में बीच में रहेंगे कायदे से। सर आप थोड़ा सा उधर से हटेंगे प्लीज, वापस मैं चल जाऊँ नगर में, रुको से ट्रेड करता हूँ इधर। गाइज मेरे पास 2 गेस्ट हैं इधर मेरे आसपास। यहाँ कहीं पर तो दूसरी गेस्ट भी है, मेरे को 2 आवाज आ रही है एक में, और मैं अपनी बोन ही लेके आया हूँ, और अगर इसने देख लिया ना भाई यहाँ पर हमें, और ये बिल्कुल यहीं घूम रही है, इसको लग गया है पता भाई। भाई यहाँ है दूसरी गेस्ट भी है यहाँ की। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दूसरे विलेजर को लाते समय ऐसे कैसे हो रहा है भाई यार, क्या नेट लगा है भाई ये। ओके एक गेस्ट गई आई गेस, नहीं गई है भाई, आवाज आ रही है उसकी, चले जाओ ना प्लीज ना भाई, प्लीज ना यार, मर जाएगा वो यार, प्लीज चले दोनों की दोनों। भाई 3 गेस्ट हो गई क्या अभी अभी, एक की आवाज इधर से भी तो आ रही है। आई जस्ट होप नॉट, प्लीज भाई प्लीज। भाई 3 गेस्ट हो गई, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या लक है, ये क्या किस्मत है मेरी भाई, 3 गेस्ट हो गई यहीं पे, और मेरे पास वो भी नहीं है मेरी। भाई यार अगर पीपी गॉड होता ना यहाँ पे अभी, तो मैं इन लोगों को मार देता भाई आराम से, मेरे पास रॉकेट्स होते सब कुछ होता तो मैं मार देता, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, अगर मैं खड़ा हुआ ना तो ये कहीं मेरे को देख ना ले। वो देखो देखो उसको कुछ सेंस हुआ, उसको कुछ सेंस हुआ। ओके गाइस ये जब तक जाते नहीं है मैं तब तक यहाँ से हट नहीं सकता, ठीक है भाई, क्योंकि अगर मैं इसको लेके निकला और इन लोगों ने बचा दिया ना एक भी बम और ये मर गया, मैं बहुत ट्रबल में पड़ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रबल में, छोटी मोटी भी नहीं भाई। कमॉन चले जाओ, यस ये लोग नीचे को चले गए, आई गेस इट्स सेफ नाउ। ओके चल भाई चल जल्दी आ, हम लोगों को अपना टाइम निकालना पड़ेगा। एक मिनट व्हाट, ब्रो ये बहुत ओवर स्मार्ट बनने में तुम्हें बता रहा हूँ, बट मेरे को अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलो मेरे को शॉर्टकट भी मारना पड़ सकता है, लेट्स गो गो विद शॉर्टकट ब्रो, चल 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 प्लीज 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 आगे से हट जाओ, प्लीज ओमी फाइट पिकलिंस प्लीज हट जाओ, प्लीज बोल रहा हूँ भाई मत करो यार, मेरे को इस बोट से उतर के तुम्हें मारने पे मजबूर मत करो, ठीक है ना। ओके भाई सामने भी कहीं पे गेस्ट है, मुझे बार बार रोने की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है मुझे। नहीं यार मैंने गलत उतार दी क्या, यस सर मैंने गलत उतार दिया, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। ओके ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ओके वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। और इस विलेजर ने भाई क्या नेट लगाई है, पहले वो वाला विलेजर मर गया और फिर इतनी गैस आ गई भाई, इतनी गैस तो मैंने नॉर्मली नहीं देखी, 3-3 4-4 गैस एक साथ। ओके प्लीज कुछ ना हो प्लीज भाई, चलते रहो बस बढ़िया, जिस होप यहाँ पर ना हो कोई गैस। मेरे को सच्ची में जेनुअनली अभी सबसे ज़्यादा डर गैस से ही है, क्योंकि गैस
सीधे एक्सप्लोसिव करती है और तुम उसके बाद बच नहीं सकते उससे जब तक तुम उससे फाइट बैक ना करो। फाइट बैक करने में एक ना एक मिस होगा और मिस होगा तो लगेगा इसको, मुझे अपनी तो परवाह भी नहीं है, मैं मजाक नहीं करूंगा इससे, इसके लिए डर लग रहा है मेरे को। ये जो पीछे बैठा हुआ है ना मेरे, ये हुए हुए करता हुआ है भाई, इसको मैं कैसे भी ले जा दूं बस वहां तक का भाई, मैं बस इसको कैसे भी घर पहुंचा दूं बस यार, मेरी ब्लैक मार्केट में आ जाए ये बंदा बस। एक बार वो हो गया ना फिर तो देख लेंगे भाई जो भी होगा। वैसे भी देखो कहाँ ही पता चल रहा है, देखो उन लोगों को पता था कि जोड़ा किस चीज़ का था, इतना बताओ जोड़ा किस चीज़ का था। एक एक क्या कहते एक तुम्हारा ये एक एक यार क्या बोलते हैं उसको, एक फ्लेचर और दूसरा ये लाइब्रेरियन, तो उन्हें कैसे पता कि कौन सा लाइब्रेरियन था, सही कहा ना। अब हो सकता है कि किसी ने देखा हो मेंडिंग, मेरे ख्याल से देव ने देखा, देव सबसे ज़्यादा बोल रहा था मेंडिंग का, तो आई गेस देव ने देखा था। रुको इसको यहाँ को बुलाता हूँ ट्रेडिंग के बहाने। ओके और अब जा दोस्त तू फ्री है, जा ऐश कर खुल्ला, बस अब मेरे को फटाफट से इसको तोड़ देना है ठीक है, इसका कोई नामो निशान नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे। कमॉन टूट जा यार, इसमें एफिशिएंसी भी तो नहीं है ना यार, तोड़ दे भाई प्लीज। यस बढ़िया, अब कोई भी विलेजर यहाँ से भाग नहीं रहा है, दोनों के दोनों विलेजर्स में यहाँ पे लेके आ गया हूँ कैसे ना कैसे। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ना पागल हो जाता है यहाँ पर अभी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम्हें, मैं पागल हो जाता भाई। मैं जिस हिसाब से काम चल रहा था ना, हमारा एक विलेजर मेंडिंग वाला विलेजर मर गया यार। अब मुझे यहाँ पर अनगिनत बेड्स लगाने, पहले लगा रहा हूँ तेरे लेक्टर्न भी लेके आऊँगा, लगाऊंगा मेरे पास भी है लेक्टर्न बनाने लायक नहीं है ना कुछ भी, मैं तेरे लेक्टर्न बनाऊंगा टेंशन मत ले ठीक है ना। हाँ यही दे रहा है ना बुक शेल्फ, मल्टी शॉट और बुक शेल्फ इसी से बनवा दूंगा भाई। अभी के लिए ये हो गया है ठीक है, अब हमें बस एक चीज़ करनी है। देखो ये ब्लैक मार्केट तो मेरे को सजाना ही है, यहाँ पर तो मुझे प्रॉपर इन लोगों के लिए बनाना ही है, और मेरे को सबसे मेन चीज़ है कि इनके बच्चे भी करवाने हैं यहाँ पे ठीक है, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक हमारा काम आगे को यहाँ पे बढ़ नहीं पाएगा राइट, तो इसीलिए हम लोग इनको बच्चे भी करवाए। बट अभी के लिए मेन चीज़ ये है कि ब्लैक मार्केट तो सजाना है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ से निकलने और जाने का रास्ता बनाएं ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आने जाने का रास्ता बनाना, सबसे पहले तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, वही जैक के 10 किलोमीटर लंबी उससे निकलते हैं यहाँ से बाहर ये सीढ़ी से। आज इस हैब की आज ख़त्म हो गया भाई, आज ये सीढ़ी यूज़ कर ली, इसके बाद कभी ये यूज़ ना करनी पड़े भाई यार। अभी पता है बस एक चीज़ की दिक्कत है कि हमारी जो डील थी वो लीगल थी ठीक है, अभी भी लीगल है कायदे से देखा जाए तो, अभी भी जो नीचे है वो प्रॉपर लीगल है, जो ब्लैक मार्केट है वो लीगल है, बस मैंने अपने विलेजर्स को बाहर रखने की जगह ऊपर में रखने की जगह नीचे रखा हुआ है, उनको प्रॉपर घूमने की जगह, उनके पास घर है सब कुछ है, उनके पास खाना पीना है सब कुछ है, बस उनको बाहर जाने की इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं यार, ऐसे थोड़ी ना अभी उनको कोई बाहर ठग देगा। तो कोई अगर उन लोगों को 20 की मेंडिंग दे रहा था वो, अब तो खैर मेंडिंग भी नहीं दे रहा यार छोड़ो, कोई उनको 20 की पेंडिंग दे देता 10 की 10 में ले लेगा फिर, समझ रहे हो ना, छोड़ो भाई। अभी हम लोगों को सबसे पहले देखो नीचे जाने का बनाना है ठीक है, नीचे जाने का हम लोगों को एकदम परफेक्ट जगह पे रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ इस पॉन्ड से ही करते हैं आने जाने का रास्ता, समझ रहे हो ना, लेकिन ऐसा बनना चाहिए कि किसी को दिखे ना, नॉर्मल ऐसा आए अगर घुमा रहा है कोई तो ऐसे उसको ना दिखे पॉन्ड में कोई रास्ता है चुपचाप सीक्रेट सा, तो हम लोग को ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे पता ही ना चले ज़्यादा। आई थिंक ये सही रहेगा, या फिर रुको ये है भाई चारों तरफ से ढका हुआ, चलो 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 कमॉन तोड़ तोड़ तोड़। अब इसको ऊपर से बंद कर देते हैं ठीक है, ताकि पानी कैंसिल हो जाए, वरना मैं ऐसे ही डूब के मर जाऊंगा यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, हम लोग को इसको नीचे तक का खोदना है एंड होप करना है प्लीज़ ये हम लोग की ब्लैक मार्केट में कोई अच्छी सी जगह पर निकले, ना कि ऐसी कुछ आलतू फालतू जगह पर ठीक है। तो लेट्स गो, नीचे तक का खोदता है, बहुत ज़्यादा गहरा है वो और कम हो रहा है कहने को, मेरे पास ये एफिशिएंसी वाली पिकैक्स भी नहीं है भाई, ये क्या है ये पिकैक्स मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ओके नाइस ठीक है, मतलब ऐसा सेंटर पे भी नहीं आया बट मेरे हिसाब से ठीक है ठीक है। यहाँ से हम लोग ऊपर को जाने का भी नीचे को आने का बना सकते हैं ना, ये बिल्कुल सेंटर होना चाहिए यही वाला। मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्लास व्लास लगाना पड़ेगा जैसे हम लोगों ने उसमें लगाया था, बट इसको बस ऐसे बना देता हूँ एक जस्ट इन केस, अगर दिखने का हो जाए ना पता चल जाएगी कहाँ पर आ रहा है। अभी मैं अपनी सारा कूड़ा इन्वेंट्री का पहले तो हटा देता हूँ ठीक है, यहाँ पर से हो गया बढ़िया। अब हम लोगों को बस यहाँ पर से ऊपर जाने का बनाना है या नीचे आने का बनाना है, और उसके बाद एक नीचे मतलब वापस जाने का भी तो बनाना है, दो लगेंगे ना रास्ते ठीक है। तो चलो अभी फटाफट से यार, फिर एक ही बन पाता ना, एक ही हो जाता ना तो वो भी बेटर होता। मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, हमारा नीचे आने का तो रास्ता इज गुड राइट, हम लोग चुपचाप अपने घर से यहाँ पर आ जाते हैं।
हमें बस ऊपर जाने का बनाना है, बेसिकली ऊपर जाने का बहुत ज्यादा खराब है। या फिर नहीं यार, अब कर ही रहे हैं तो ढंग से ही करते हैं सब कुछ। चलो फटाफट से मैं ये दोनों रास्ते बनाता हूँ, ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी। पहले तो मैं जल्दी से जाके थोड़ा बहुत ग्लास लेके आता हूँ और ग्लास से इसको पूरा का पूरा ढकता हूँ और सारी चीज़ें। गाइज हम लोग सारा का सारा सामान लेके आ चुके हैं, अब चलो फटाफट से चलते हैं। भाई अच्छा हुआ अभी तक जैक भी नहीं, और मैं मजाक नहीं करूँगा, अभी ऑलरेडी 4 बज चुके हैं, ठीक है 4 o'clock हो रहा है अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो, 4 बज रहे हैं लेजिट सुबह के। लेट्स गो, अभी चलते हैं फटाफट से। जो जगह हमने चूज़ करी थी ये थी राइट भाई, ये बस ये ना डॉगी वॉगी ना ये इसके भाई, ये बताना दे बस। चलो अब अच्छी चीज़ क्या है पता है, हम यहाँ से तोड़ेंगे ना ये वाटर खुद ही फ्लो करेगा, ठीक है। ये वाटर पूरा का पूरा नीचे तक का जाएगा आराम से अपना ही, मतलब हम लोगों को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ ऑलरेडी वाटर फ्लो कर रहा है। ओ नो, ओ भाई भाई अभी मैं मर जाता, अभी मेरे पास ना कुछ है ना भाई, दिमाग देख रहे हो तुम यार। वाटर फ्लो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वाटर फ्लो, कुछ नहीं है मेरे बूट सूट्स में, अभी इतना गिरता तो सीधे ख़त्म था मैं। चलो अभी हम लोगों को इसको लिफ्ट जैसा वर्क करवाना है, लेट्स होप कि एक स्टैक में हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास पड़ा नहीं है, मैंने बाहर वाले उसमें लगा रखा है, क्योंकि ओशन तो अपने ज़्यादा घर के दूर भी नहीं है, हम लोगों को लेके आना पड़ सकता है दोबारा से अगर जस्ट इन केस हो गया तो। और बस दिक्कत है कि पानी की यार, इसीलिए तो मैंने वाटर वाला रास्ता नहीं बनाया। जैक उस दिन बोल रहा था ना कि भैया वाटर वाला रास्ता बना दो, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नहीं हो सकता यार इतना जल्दी तुम लोग नहीं ऊपर आ सकते, आ सकते हो बस इतना जल्दी नहीं आ सकते, ठीक है। चलो बस ये कर लिया, चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। यार कैल्प कम पड़ गई गाइस, थोड़ी सी कम पड़ गई, एक मिनट कैल्प क्या कम पड़ गई, रुक जाओ। ये जैक ने भाई, जैक तो है तो यार देव मानुस आदमी यार, मैं तो उसको ऐसे ही हरामी समझता था, पर ये तो देव मानुस निकला, देव मानुस। चलो थोड़ा बहुत जैक से छुपाने के लिए भी है वैसे कायदे से देखा जाए तो, जैक हमारी मदद कर रहा है एक तरह से ये छुपाने के लिए उससे। और चाहिए होगी कैल्प, ये कैल्प तो उगी जाएगी ना दोबारा, ठीक है बस बढ़िया। थोड़ी सी और बस, जहाँ पे कैल्प लगी हुई है वहाँ से हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। और पता है क्या, रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़ और, कैल्प से ना ज़्यादा बेटर ढक रहा है गैस सामान, वो कैसे मैं बताता हूँ, पर पहले इसको लगा देते हैं, देयर वी गो, पानी बस यहाँ तक का, ठीक है। क्योंकि ऊपर को अगर बुलबुले उड़ते हुए दिख गए ना तो सब लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ तो अलग लग रहा है, जैसे ये है ये वाले बुलबुले तो समझ में आ रहे हैं कि खींचने वाले बुलबुले है ना, बट अगर सोल सैंड वाले बुलबुले दिख गए जो कि दिखता है कि ऊपर को प्रेशर मार रहे हैं तो सब समझ जाएंगे कुछ तो नीचे चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को उसका ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके लेट्स गो, यहाँ पर भी लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं, इसको छुपाने के लिए थोड़ा सा ना इसके चारों तरफ कैल्प लगा देते हैं, वो क्यों तुम समझ रहे हो ना, लंबी लंबी घास होगी तो सीधी सी बात दिखेगा कैसे। अब चलो पहले थोड़ी सांस भरते हैं, अरे नहीं यार मैं ब्रेथ से ना मरूं इस बार, नहीं प्लीज 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 एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज, कम ऑन यस। थोड़ा बहुत डैमेज आएगा, थोड़ा बहुत डैमेज आएगा, बट हम लोग बच सकते हैं, बच सकते हैं हम लोग। ओ भाई ये मैं चांस ले सकता था अभी जो मैंने किया है ना हरकत अभी। चलो ये तोड़ा, ये सारा का सारा वाटर का बन चुका है, अब अगर हम लोग इसको तोड़ के हटा के यहाँ पर सोल सैंड लगाएंगे तो यस सर इट्स वर्किंग, बट अब दिक्कत ये है कि दिखे ना किसी को कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ऊपर चलते हैं, मेरे को वीसी भी जाना पड़ेगा क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर वो ज्वाइन करा है तो उसे पता तो होना चाहिए मैं खेल रहा हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे दिमाग में पूरे टाइम वही अपने कुत्ते देखने आ सकते हैं यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा। अरे यार एक तो इतने बेड बेड भर के आ रखा हूँ इन्वेंट्री में, चलो चलते रहो, पहले मेरे को देखना पड़ेगा ये चाकुला आया कहाँ है भाई। मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी जब मैं अपने बेड्स लेने आया था, मतलब बेड्स बनाने गया हुआ था, तो मैंने देखा ये देख रहा हूँ, मैंने देखा इसने अपने घर के बगल में तुम क्या कर रखा है, ये देख रहे हो, देखो ये अपने घर के बगल में कुछ तो बना रहा है भाई, क्या बना रहा है लेकिन वो देखने वाली चीज है। और जैकू कैसा है, हैं सब सही, क्या क्या है अंदर, क्या बना रहा है दिखाना जरा, हटियो
जल्दी वहां से हटो। ओए तू, ओए बदतमीजी मत कर, जरा ये बीच की मिट्टी हटा दो थोड़ी सी, जल्दी वहां से हटो। नो अबे तू, ओए तुझे बता दूंगा दो मिनट में, समझा क्या? क्या बना रहा है वहां? वेट में आया। अबे तू पहले वेट की स्पेलिंग सीख ले भाई, WAIT होती है। वेट में आया, क्या बना रहा है बता दे हमें भी थोड़ा। है भाई क्या चल रहा है, क्या बना रहे हो है? हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन लिए ले, मेरी तरफ से एक स्टैक और एक ये ले ले। आई एम मेकिंग समथिंग स्पेशल, दिखाइए जरा, हटना। ओए मार क्यों रहा है भाई? हाँ तो नहीं देखना है तो ना बोल देना, कहते नहीं देखो कोई बात नहीं, दूर से ट्राइडेंट मार के हवा में उड़ के देख लूंगा आपको दिखाऊंगा, वेरी स्पेशल भैया। कब दिखाएगा? कब? अभी बनने के बाद? कल? परसों? कब? कब दिखाएगा? संडे, संडे की स्ट्रीम पे ही दिखाएगा सब कुछ, आपको मजा आ जाएगा। ये हुई ना बात, ये तू मेरा छोटा भाई ठहरा यार, ये आपको मजा आएगा भाई। सब लोग टाइम से आ जाना संडे को शाम को 6 बजे स्ट्रीम पे, ठीक है? गेमर फ्लीट वाले चैनल पे। आप बोलोगे जैकुला यू ग्रेट लीडर, वो तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, जैकुला इज द बेस्ट लीडर यार। मैं तो भाई 2-3 बार लीडर बना, पर ऐसा लीडर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। देखो अभी देखो, इतना इतना हार्ड वर्किंग गाय है, सुबह के 4 बजे सर्वर पे ज्वाइन कर गया है, बताओ सुबह के 4 बजे है ना। जब मैं सोच रहा हूँ कि कोई आ ही नहीं सकता, कोई इतनी मेहनत कैसे करेगा, है ना, जब मैं सोचता हूँ कि सब पूरा सर्वर खाली होगा, कोई नहीं आएगा, तब जैक भैया ने ज्वाइन कर लिया ओली से बात करके। जस्ट एक मिनट, तो तू मतलब सोया नहीं था? मुझे लगा तू सो के उठा इतनी जल्दी। आई एम हार्ड वर्किंग जी। अबे तू हार्ड वर्किंग जी छोड़, तू ओली से रात भर बात कर रहा, क्या हार्ड वर्किंग हो रहा है इसमें? है कॉल सेंटर है क्या? है हार्ड वर्किंग जी ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं जॉब करके आया होगा। हार्ड वर्किंग उसे समझा रहा था, क्या समझा रहा था? कि संडे को स्पेशल कुछ बनाऊंगा फॉर हर। अच्छा उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है, ऐसा क्या बना रहा है यार तू? है फॉर हर, बस रेडी रहना यार, रेडी तो मैं हमेशा रहता हूँ। देख रहो जैक है भाई असली लीडर, असली काम का बंदा। देख रहो अब सीधे जाएगा और अपना वो जो बना रहा है वो बनाने लग जाएगा दोबारा से। वैसे आप क्या कर रहे हो इस टाइम? मैं तो थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा लिविल में आ जाता हूँ। आप तो सो जाते हो ना जल्दी? नहीं तो मैं थोड़ा सा यार वही हो रहा था, मेरा बोर वोर चल रहा था थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लिलीविल ही आ जाऊं थोड़ी देर के लिए, है ना। आप कभी नहीं आते बोर होने में यार। एक तो ये मेरे को कुछ ज्यादा अच्छे से पहचानता भी तो हूं। चलो छोड़ो, हाँ चलो छोड़ो यार, अब कभी कभी तो हो जाता ना, चेंज ऑफ माइंड कर दिया जैक मैंने, ठीक है। जाओ लीडर साहब आप बनाओ, ये बताओ मेरा न्यू पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं यार? यही तो जान डाल रहे हैं लिलीविल के अंदर। देखो यार एक बार ये देखो, यहाँ से आओ वहाँ से आओ, ये देखो आओ, ये देखो, वाह वाह, ये हम रूटर वाली स्ट्रीम पे लेके आए थे ये सारे पौधे, पेड़ पौधे, वाह वाह वाह, ये देखो आह हा कितने प्यारे लग रहे, देख लो। हम नहीं, मैं, हाँ मतलब वही मैं अपना सामान लेके आ गया था जी यार। भाई पूरा सर्वर ग्लिच हो गया है यार उस टाइम पे। चलो छोड़ो यार जो भी है, जाओ जैक साहब आप जाओ बनाओ फटाफट, है ना। हाँ मैं जा ही रहा हूँ, बस मैं तो जा रहा था थोड़ी शीप इकट्ठा करने जा रहा था मैं ना, मेरे को वूल चाहिए था थोड़ा सा। चलो मैं आता हूँ, ठीक है जैकू, बाय 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 बाय। जाने से पहले आना, मतलब ओम की? अच्छा ओके ओके, सर्वर से जाने से पहले, हाँ ठीक है ठीक है, ओके बाय बाय। थोड़ी सी शीप इकट्ठा करने आया था मैं तो, बस ये सही है पता है, ये एंट्री हो गई हमारी, ठीक है। इंस्टेंट एंट्री भी देती है सबसे बेस्ट चीज़, और ये हमारी एग्जिट हो गई, यहाँ से बस हमें चढ़ना है और हम ऊपर बाहर गायब, किसी को पता ही नहीं कौन कहाँ क्या कैसे क्यों कब या वो या भी कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से, ये लाइन जो है ना इसमें पूरे के पूरे बेड्स लगा देते हैं, ठीक है चलो। अरे अरे खुद नहीं सोना है, रुक जाओ सबसे पहले ना इनके बेड्स तोड़ो, एक मिनट, सॉरी गाइस,
एक एक दूर लगाओ, इसके ऊपर इनका जॉब ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जॉब ब्लॉक ना फिर ऐसा रास्ते में लगता है रोड़ी जैसा, ठीक है। एक काम करते हैं, सो ही जाते हैं, ठीक है, जैक का भी सही जाएगा, जैक भी खुश भाई, चलो ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को पूरे के पूरे में गुड, ये देख रहे हो, ये मार्क्स देगा मेरे को, गुड स्टार नहीं दिया सर आपने, गुड दे रहे हो खाली, गुड जैसे हो आवाज ना पहुंची हो वहां, एक्सीलेंट। ज़्यादा दूर नहीं है भाई, उसको समझ में आ जाएगा, मैं भी ज़्यादा दूर नहीं हूँ, उसको आवाज़ आ जाएगी तो समझ रहे हो ना, थोड़ा कंट्रोल कर ले अंशु, थोड़ा सा ना ढंग से रह ले, आते की ओम की बाइम बाइम, आते रहना। चलो सबसे पहले इसका ये यहाँ पे लगा दो, ठीक है, अब इनको दबा के मेरे को आलू खिलाना। यार अगर जैक भी मेरे इस प्लान में शामिल होता ना तो वो इस काम से इतना खुश हो जाता ना भाई, ये काम तो उसको सबसे ज़्यादा पसंद हुए। ये लो, ठीक है, खुश रहो, दोस्ती मनाओ आपस में। अरे मैं तो ब्रेड खिलाने आया था आप दोनों को, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, मैं कोई क्रीप छोड़ना हूँ भाई, मैं तो ब्रेड खिलाने आया था आप दोनों को, ब्रेड खाओ आप, मजे करो यार, क्या बात कर दी आपने, खाओ खाओ ब्रेड खाओ, ठीक है। ला 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 ला, पहला उई, ओह ओह ओ भाई, मेरे को अभी अभी अपनी बहुत बड़ी गलती समझ में आई है गाइस, ओ भाई साहब, अच्छा हुआ समझ में आ गई, जल्दी कर, जल्दी सही कर भाई, नहीं 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 नहीं, हेमें मत कर भाई, ओह शिट, मेरे को एक बहुत बड़ी गलती अभी समझ में आई है जस्ट भाई, क्या होगा अगर वो लोग चले गए इसके अंदर, तुम समझ रहे हो, पूरे का पूरे एसएमपी को पता चल जाएगा कि मेरे वो कहाँ है, विलेजर कहाँ है। बस अब सही है, देखो अब इसको मैं बंद रखूंगा तो वो लोग जा ही नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब उल्टे काम मेरे देख लो यार, वो तो मेरे को पता नहीं कैसे दिमाग आ गया भाई थोड़ा सा। बस अब सही है, ये बंद रहेगा जब तक का, तब तक ठीक है, तब तक यहाँ से कोई भी विलेजर बाहर नहीं आ सकता। भाई मेरा दिमाग देखो तुम लोग, भाई मैं पागल हो चुका हूँ क्या भाई, कोई भी विलेजर अभी बाहर आ सकता था, ये देखो यार, पर पानी तो ये देख रहा आ ही रहा है यार, ये थोड़ा सस्पिशियस हो ही रहा है यार। देखो अगर देखा जाए तो तुम ऐसे पॉन्ड में चल रहे हो तो तुम्हें ऐसे पता नहीं चलेगा, बट वो जो बुलबुले उठ रहे ना यार उससे दिक्कत हो रही है बस। देखो ऐसे वरना तुम चल रहे हो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, और तुम देखने की भी कोशिश करोगे ना तो भी तुम्हें वो गड्ढा इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। देख रहे हो, ये देखो कहाँ दिख रहा है बताओ, ऐसे तो ये भी गड्ढा लग रहा है ना, लेकिन ये अलग है भाई। अब बस इसमें एक ही दिक्कत हो रही है, जो बुलबुले आ रहे हैं समझ रहे हो, ये जो बुलबुले आ रहे हैं ना, इनका कुछ करना पड़ेगा मेरे को, कुछ लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ आइडिया आता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को भाई, इनका कुछ तो इस बुलबुलों का कुछ तो सोचना पड़ेगा। बट अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, फटाफट से मैं नीचे पूरा सजा के और जितने ज़्यादा विलेजर्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा विलेजर्स जमा करके तुम लोगों से मिलता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसमें, आधा घंटा एक घंटा जितना भी टाइम लगेगा, अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ पूरा का पूरा काम धंधा करके सीधे। पता नहीं आज सोने को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, अभी होना है, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ वाली चीज़ है। वो देखो छोटू को, छोटू। तो गाइस बिल्ड पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा का पूरा बन चुका है। मेरे बगल में कोई समझ रहे हो ना तुम लोग, बम 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 ब्रूइंग स्टैंड यूज कर रहा है, बट गेट रेडी बॉयज, ये बहुत ज़्यादा मस्त बना है सच्ची बताऊँ तो, तुम मेरी आंखों में नींद देख के बता सकते हो। अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, ठीक है, इसको बनाते बनाते, अगर तुम लोगों को दिख रहा है टाइम, मेरा फ़ोन भी गंदा, चलो छोड़ो, तो अभी सुबह के 5:30 बन चुके हैं इसको बनाते बनाते, पर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बना है। सो 1 2 3, ये रही फ्लीट भाई की ब्लैक मार्केट, लेट्स गो। बताओ भाई कैसी लग रही है तुम्हें, है नहीं है बात, है नहीं है बात, है नहीं है चाचा जी, सॉरी यार, अब से नहीं चिल्लाऊंगा,
देखा मान गए ना। तो ये देखो ये ब्लैक मार्केट है प्रॉपर, यहाँ पे बंकर है, एक बंकर में दो जने सोते हैं। एक मिनट चलो इसको यहाँ पर और इस पर ग्लो भी मार दो, ठीक है। मेरे को यार इन सब में ये भी करना था जो कि मैं भूल गया था, एक मिनट। वैसे कायदे देखो अभी तुम लोग देखो सबके पास जॉब है, सारे के सारे लेदर वर्कर बन गए, बट वो मैं उनको सही कर दूंगा। उनके बेसिकली मैंने सबके घरों के अंदर एक एक कॉल्ड्रोन रखा हुआ है, तो वो उससे जॉब ले रहे हैं, नहीं तो लोग फिर क्या कर रहे हैं बैरल से ले ले रहे हैं। तो मैं वही करूंगा जिससे भी मेरे को जॉब देने के, मैं तोड़ दूंगा उसके बाद वो कर लेंगे। तो वो तो खैर बात की बात है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है कि मेरे को इनको प्रॉपरली जॉब्स क्या चाहिए। देखो ये रूम नंबर 1 2 सब रूम में दो दो लोग रहते हैं मस्त करके। अगर अभी रात होती है तो मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ कि ये कितना कूल लगता है। अच्छा दोनों साइड पे, ओ भाई अरे इस वाले में तो है ही नहीं। अच्छा ओके मुझे लिखना पड़ेगा तब जाके दोनों साइड पे आ गई। ये तो बड़ी कूल चीज़ है यार, ये तो मेरे ध्यान में नहीं आई कभी। देखो अभी रात होगी तो देखना कितना मस्त होता है। ये लिटरली खुद चढ़ के जाते हैं ऊपर, तुम्हें पता नहीं होगी ये बात, ये लिटरली खुद चढ़ के जाते हैं ऊपर सोने के लिए, पता है। बहुत कूल लगता है दिखने में ऐसे, अपने अपने बंकरों में घुसते हैं सारे के सारे। तो ये चीज़ है, यहाँ पर हम लोगों के पूरे के पूरे देखो जॉब ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है। ये तो अपनी लिफ्ट हो गई, मैंने लिफ्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दी क्योंकि वहाँ पर बीच मारती। अब देख लेते हैं यार ऊपर कैसा दिखेगा, वो सारी चीज़ें तो हैं थोड़ी बहुत। ये हमारा चेस्ट रूम है, यहाँ पर हम सारा का सारा अपना सामान समून रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी रुको जरा, वो वाला वो कहाँ है, विलेजर कहाँ है, देर ये नहीं है, ये नहीं है भाई, कहाँ के दूसरा विलेजर, ये रहा ये रहा, ये देखो। इससे हम लोग सारा पेपर ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये रिफ्रेश कर दे तो मज़ा आ जाएगा, यकीन नहीं कर रहे हैं बदतमीज। वो स्वीपिंग एज 3 क्या बंदा है भाई, ये मेंडिंग स्वीपिंग एज 3 भी दे रहा है भाई, ये है यार विलेजर। तो ये है हमारा पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट, ठीक है। ये अपना ब्लैक मार्केट है, और यार कसम से अभी रात होती ना तो तुम लोग को एक मस्त चीज़ दिखाते हैं, कैसे भागते हुए अपने बंकरों के अंदर जाते हैं, बड़ा कूल लगता है दिखने का भाई। ओवरऑल ना ये मेरे को दिखने का बहुत मस्त। अरे हेलो फ्लीट भाई, अरे है कहाँ ये भाई, अबे सर्वर में तो ऑनलाइन है भाई, ने जब से विलेजर ले लिया ना ऑक्शन से भाई, बड़े बिजनेसमैन बन गए भाई, मिलते ही नहीं गई। हेलो फ्लीट भाई कहाँ गए वो, चल काम। अरे देव भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ कहाँ, अरे देव भाई बोल रहे हैं क्या? हेलो हेलो, आवाज कट रही है बहुत। देव भाई आ गया, बस आ गया। अरे हाँ हाँ घर में ही था मैं, कहाँ गया देव? अरे यार मैं तो घर में, कहाँ है देव, कहाँ हो भाई, है मैं ट्रैप डोर क्यों खुला है, सही कर देता हूँ। है हाँ हाँ बंद कर दे भाई। अरे थैंक यू देव, थैंक यू। ये सुबह के 5:30 बजे कैसे याद आ रही है भाई तुझे मेरी? अरे हमने क्या बोला था आपको, सबसे पहला ऑर्डर हम ही देंगे ना, मतलब याद है कुछ? अरे रॉनी और मैंने डिसाइड किया था ना जो हम आपसे मेंडिंग। अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, मेरा जो बुक वुक का काम है, हल्के बोल ले धीरे बोल ले थोड़ा, ठीक है ना, उसको भी पता चल जाएगा, खाली कान खड़े होके आ जाता है वो भी। हाँ अच्छा अच्छा, तो फिर वो मेरे को वो बात करनी थी ना, रॉनी और मैंने डिसाइड किया है कि ऑर्डर देंगे। हाँ हाँ, तो क्या लाइक देख मैं भाई, मैं तुझे एक बात बता दूं, मेरा ना काम बहुत बल्किंग में चल रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक, ऐसे ज्यादा ज्यादा। अरे तो हमने पहले ही बात कर ली, ताने के ये दुनिया में गम ये में। अच्छा बना दिया यार, ऑर्डर दे रहे हो क्या कापा भैया? नहीं नहीं ऑर्डर किस चीज का ऑर्डर, नहीं कुछ भी नहीं। नॉटी नॉटी, हाँ तो क्या हो गया भाई, तो तुम लीडर साहब तुम बीच में क्यों आ रहे हो हमारे? हाँ तो ऑर्डर दे रहा है वो। ये तो बताओ, ये तो बिजनेस शुरू लूंगा तो कमीशन खाएंगे क्या हमारा? नहीं क्यों खाएंगे भाई, हमारे बीच में कौन सा कमीशन। हाँ, भाई जैक के राज में सब लीगल है, ये देखा जैक के राज में सब लीगल है भाई। अगर मैं यहीं पे तलवार निकाल के अभी जैक को काट भी दूं तो जैक के राज में सब लीगल है ना जैक, है ना? क्यों जैक, सही कहा ना? अगर मैं अभी जैक को पकड़ के फिर मैं आपको जेल में डाल दूंगा, सब लीगल है। अरे 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 भाई तुम तो यार भाई मेरा वोट तो जैक को जा रहा है नेक्स्ट वाला भी भाई, सब लीगल हो गया आज। हाँ पानी में तैरना भी लीगल है, तुझे बताता रुक जा अभी। अरे चलो अभी जैक भैया मिलते हैं, ठीक है आप काम करना। आजा तेरे को दिखाता हूँ एक मस्जिद, आजा छोड़ जैक तो यहाँ खेल लेना, तेरे को एक मस्जिद दिखाता हूँ। आजा जैक कुछ बना रहा है, जल्दी आ, आजा आजा जैक कुछ बना रहा है। दोनों भाई देखेंगे, मेरे हाथ में शवल दिख रही, तेरे को सारी मिट्टी खोद दूंगा वहाँ की। चलो अच्छा चलो, अच्छा चलो। नहीं 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 अरे रुक जाए, लीडर साहब गुस्सा ना हो जाए भाई। चलो ठीक है लीडर साहब, हम जा रहे हैं, ठीक है हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। देखा ऐसे भगाते हैं इसको, सुन मेरी बात।
तेरे को क्या चाहिए ऑर्डर बता भाई, मैं छोटे ऑर्डर नहीं लेता, मैं बल्क में काम करता हूँ, बहुत सारे विलेजर रख दिए मैंने। अरे बल्क ऑर्डर देंगे बोला, डिसाइड तो किया था हमने रोनी और मैंने डिसाइड। हाँ तो कितना है ऑर्डर जल्दी बता, फटाफट बता, मैं लिख देता हूँ। 16 मेंडिंग की बुक चाहिए, 16 मेंडिंग की बुक चाहिए, 4 एफिशिएंसी 5 चाहिए तुम्हें, 4 sharpness 5 भी चाहिए तुम्हें। लिख रहे हो ना ऑर्डर गड़बड़ नहीं होना। अबे भाई तू मेरे को क्या हल्के में ले रहा है क्या भाई, दिमाग में सब चलते, कैलकुलेटर है मेरा दिमाग, तू बोलते जा। अरे क्या पता 16 एफिशिएंसी दे दो। अबे क्या मैं पागल हूँ क्या, 16 एफिशिएंसी कहाँ लगाएगा, अपने सर पे लगाएगा 16 एफिशिएंसी। ठीक है और लिखो आगे, लिखो 8 prod 4 और 16 unbreaking 3 अरे ये तो बहुत भारी दे दिया तुमने, 48 बुक्स टोटल। हाँ भाई साहब, तो इसका टोटल बनता है 48 बुक्स का, और वो भी मेंडिंग भी है इसमें। हाँ मेंडिंग भी देखनी पड़ेगी, मेंडिंग भी दे रहा है। फिर तुम्हारा अनब्रेकिंग तो खैर मैं सस्ते में लगा दूंगा, तुम्हें टेंशन मत लो, वो तो इजी है, तो वो हो गया। लेकिन शार्पनेस काफ़ी महंगी है, क्योंकि वही हुआ ना फिर इल्लीगल भी आ जाता है ना, थोड़ा देखना पड़ता है, जैसे कल को तुम कुछ गलत कर दो लेकिन बुक तो मेरी थी करके ना, तो थोड़ा वो भी देखना पड़ता है ना। फिर शार्पनेस 5 ठहरी तो उसके लिए प्राइस उसके हाई हैं थोड़े। अबे ये फिर आ गया यार, साला रसगुल्ले की शक्ल का। अरे सब लोग आपा भैया ये देखो, सब लीगल है। अरे लीगल है वो तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़ा बीच में लूप होल है ना। अब जैसे मारे ये, लेकिन शार्पनेस तो मैंने बनाई, तो ऐसे वाला हो जाता ना, थोड़ा मैं ना फंस जाऊँ ना उसमें। अब तुम ये भी तो कर रहे, जेल में जाना भी तो लीगल है, आपको डायमंड मिलेंगे, वो तो मैं लूंगा ही डायमंड भाई तुम। अरे छोड़ यार, छोड़ ये सब, छोड़ जल्दी चल मेरे साथ, चला जा मेरी सवाल देख, तू आज मेरी सवाल देख कैसे चलती है, तू छोड़ भाई सब। नहीं नहीं चला, छोड़ भाई ये लीडर भाई, ये बीच बीच में ये लीडर मेरे बीच में बहुत बोलता है भाई। आज इसका ना जो भी बना रहे सब खोल दूंगा, ये 2 मिनट में सारी मिट्टी साफ कर दूंगा तुम्हारी यहाँ। लीडर साहब थोड़ा ना ढंग से रह लो आप, दो जने बीच में वो कर रहे, बार बार आ रहे हो, बार बार आ रहे हो, क्या है क्या, रुको जरा, आ तो जरा देखते हैं, आ जा छोड़। बनाया क्या है? हाँ खोद दूंगा लीडर साहब, ये सारी मिट्टी जितनी है ना आपकी, ये देख रहे हो ऐसे करके, ये देख रहे हो, मिट्टी सुनी, आवाज सुनी आपने? हाँ मैं साफ कर दूंगा पूरी, सही से काम कर लो आप, आ जाए। इसको ऐसे डरा के रखना पड़ता है यार थोड़ा थोड़ा। हाँ तो ठीक है फिर, तो बताओ। हाँ पैसे ही बता रहा था मैं, जस्ट कैलकुलेट ही कर रहा था, तो वही शार्पनेस थोड़ी महंगी आ जाती है इस वजह से, तो ये टोटल तो चलो ठीक है वही है, बात तो सही है भाई के लिए ही है। 218 डायमंड बैठ रहे हैं वैसे तो, पर तुम्हारे लिए 200 डायमंड में बात पक्की, ठीक है? पहला ऑर्डर है, थोड़ा कम भी करना पड़ता है ना फिर, तभी तो तुम आगे नाम बोला था ना, तुम्हारे लिए कम लगा दूंगा यार। हाँ तो 218 से 200 डायमंड कर दिया, 18 डायमंड बना कर रहा हूँ यार। अरे यार इतना भाई यार थोड़ा कम करो ना यार, भाई के लिए यार कैसे कर रहे हो यार। अबे पहला ऑर्डर देने आयो, भीख मांगने आयो भाई, चल ठीक है 150 डायमंड, 150 डायमंड से कम नहीं कर पाऊंगा सीधे। मैंने तेरे लिए यहाँ पे 25% ऑफ कर दिया है, कर दे यार 150 यार, कम करो ना यार, शक्ल भी तो देखो थोड़ी, शक्ल पे तरस खाओ। चल 125 कर दे, 125 डायमंड, बात खत्म। अरे अगर थोड़ा और 125, 200 से 125 पे आ गया हूँ भाई मैं, 200 डायमंड से 125 डायमंड पे आ गया हूँ मैं, इतना तो बनता है मेरे साथ। करो ना यार, इतने तो है ही नहीं ना फिर। कितने हैं तुम लोगों के पास, कितने हैं भाई? यार अभी हमने डिसाइड किया है कि हम टोटल 100 डायमंड माइन करेंगे, अभी हम थोड़ा ले रहे हैं आपसे मेंडिंग, हम तो बाद में लेंगे ना। हाँ चलो ठीक है फिर, ठीक है 100 डायमंड में डन करते हैं। 50% डिस्काउंट जस्ट लाइक योर आईज, जैसे तुम्हारी आंखों में 50% डिस्काउंट है ना, वैसे ही तुम्हें डायमंड में दे रहा हूँ मैं, 200 की जगह 100 डायमंड, 200 की जगह 100 डायमंड। मेरी राइट आई भी थोड़ी कमजोर है, थोड़ा और कम करो ना फिर। ना 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 ना, ना ये अब ये यहाँ मत करिए, ठीक है? ये क्या रे ओए लीडर, हाँ बता दूंगा अभी, यहाँ पे काना फूसी कर रहा ज्यादा। हम टोटल 100 डायमंड, 100 डायमंड में बात खत्म, इससे कम नहीं कर। अरे मैं कम कर ही नहीं सकता, चलो छोड़ यार तुम्हें नहीं खरीदना, खाली ड्रामे कर रहा है यार थोड़ा यार। ना तू बता देना रोनी को कैसे तूने पूरी डील खराब कर दी 1-2 डायमंड के लिए। जा तू जा यार, छोड़ तो यार, नहीं चाहिए। 100 में डन है ना, 100 डायमंड आप हमें दोगे, हम तुम्हें ये 48 बुके देंगे, ठीक है? चलो जाओ। और कब तक रेडी होगा ये ऑर्डर, ये तो बताओ। ये लगेगा मुझे इसको यार कम से कम 2 हफ्ते देने पड़ेंगे ना यार, थोड़ा लंबा ऑर्डर है ना। अरे पहला भी भाई, दो हफ्ते थोड़ा हाँ। जल्दी करो ना यार। चलो 1 हफ्ते में दे दूंगा। नहीं भाई जल्दी करो यार, थोड़ा काम जल्दी करो, तभी तो कस्टमर आएंगे आपके पास। हाँ। तो तुम्हें कब चाहिए भाई? तुम लोग यार एक तो पहले पैसे पूछते हो, फिर मैं पैसे बताता हूँ, तुम बताते हो तुम्हारे पास इसका आधा भी पैसा नहीं है। अरे भाई यार ये लीडर क्या है ये? अरे संडे को कर दो ना फिर। क्या संडे को? देखो भाई साहब, अरे 1 मिनट यार, ये जरा क्या है, क्या है लीडर साहब, क्या लीडर है साहब, आप जल्दी दे दो ऑर्डर इन्हें। चलो लीडर साहब बोल रहे हैं तो कब तक दूं,
मैं यार तुम्हें मैक्सिमम यार संडे तक दे सकता हूँ, इस संडे शाम के 6 बजे तक। हम डायमंड तो रेडी रख लेंगे, बट आपको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रीम के जो संडे को स्ट्रीम है ना, 6 बजे से पहले सामान पूरा रेडी होना चाहिए। मैंने आपको रूल तो पता ही है ना, फिर रूल कौन सा रूल? अरे रूल, लीडर बैठे, लीडर से पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हो भाई, ये तो इम्पोर्टेंट है। अरे क्या लीडर से क्या पूछ, अबे तू कहाँ जा रहा है भाई? मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा काम हो गया, ऑर्डर देना था मैंने। अबे तू क्या यहाँ सुबह के 5:30 बजे क्या ऑर्डर देने के लिए आ रखा था? अरे लोगों की जाती नहीं, मेरी आती नहीं। क्या नींद? अबे भाई यार एक ये सस्ता, ये टाइगर श्रॉफ अलग से रख रखा है यहाँ। लिली हाँ कापा भैया, आप सो मस्त आराम से। अरे सो मस्त आराम से नहीं, रूल बता, रूल कौन सा है, वो कौन से रूल की बात करके गया है? स्ट्रीम पर बताऊंगा। अबे जिसको देखो भाई, स्ट्रीम पे बताऊंगा इस संडे को शाम के 6 बजे कौन सी क्या स्ट्रीम करने वाले हो तुम लोग। अरे सुनो ना, हाँ क्या दिखा रहे क्या? चलो भाई चलो आ जाओ, निकालो शवलें अपनी, चलो भाई शुरू हो जाओ। अरे 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 क्या है भाई, अरे तो तू ही तो बुला रहा है, चलो भाई आ जाओ। क्या है देखो भैया, क्या देखो? हाँ तो तभी तो देखने के लिए तो खोद रहा हूँ मैं। आपको जानता हूँ, मतलब मेरे को जानता है तो मैं भी तुझे जानता हूँ। ले ऐसे तो मैं भाई क्या कहते हो, पीएम मोदी जी को भी जानता हूँ, पर वो मुझे नहीं जानते ना, बात तो इतनी है। आप इतनी सुबह घूमने नहीं आए? अरे मैं बोर हो रहा था जैक, बताया ना मैंने तुझे कि मैं बोर हो रहा था, तो मेरे को आप आए वीडियो बनाने। इसका भी बैल बुद्धि चलने लग गई। हाँ वीडियो बनाने तो आया था मैं, तो प्लीज मेरी एक बात मेरी क्यूटीज तक पहुंचा दो। हाँ बता दे भाई अपने क्यूटीज को, गाइस देख लो यार ये क्या बात बतानी है, बता दे भाई। वो मैं ना इस संडे को कुछ बहुत डेंजरस करने वाला हूँ भाई। क्या करने वाला है यार, ये क्या होने वाला है, आप सबको बता दो आने को 6 बजे शार्प। तू क्या चाह रहा है भाई? माई क्यूटीज भाई, फ्लीट आर्मी रेडी रहना इस संडे को 6 बजे। क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं ये लोग? चलो अब लेफ्ट करो, मतलब नहीं मैं तो जा ही रहा हूँ भाई। जैसी ये लीव करेगा ना, मैं तो लीव नहीं कर रहा हूँ, जैसी ये लीव करेगा इसका पूरा चेक कर लूँगा मैं अंदर जाके भाई, क्या रखा हुआ इसने, क्या करा हुआ है भाई। अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी भाई पूरे के पूरे उसकी तैयारी करनी है। ये देख रहे हो सारे अपने क्वार्टर में देख रहे हो बैठे हुए कैसे, यहाँ पे क्या फ्री का खाना बट रहा है इधर हैं तुम लोगों के लिए भाई? मुझे देख रहे हो तुम, किसी ने अपने विलेजर्स के लिए इतना करा होगा भाई? पूरे के पूरे क्या कहते हैं 3x2 के कमरे बना के छोड़े हुए, 3x4 के कमरे, 3x4 के कमरे बना के छोड़े हुए एक एक के लिए मैंने, और ऊपर से यहाँ पर जॉब भी दे रहा हूँ अलग से। कोई होगा ऐसा, कोई मिलेगा तुम्हें मालिक? नहीं मिलेगा, तभी तो कह रहा हूँ डबल डबल सामान दो मुझे, डबल डबल आयरन वो दो, एमराल्ड दो, मानते ही नहीं है। मजाक कर, मत दो डबल डबल, बस अपना काम कर लो। अब मेरे को कैसे भी भाई जल्दी से जल्दी इन लोगों का ऑर्डर पूरा करना है, क्योंकि इन लोगों ने बोला इस संडे से पहले, और आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे और भी सैटरडे संडे, तो हम लोगों को सैटरडे को कैसे भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि संडे को तो टाइम नहीं होगा, संडे को तो स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी, वीडियो बनानी पड़ेगी अलग, तो मेरे को कैसे भी जल्दी से जल्दी भाई सैटरडे तक का ही तैयार करना पड़ेगा सारा का सारा मामला। तो एक काम करते हैं, सैटरडे को शाम को 6 बजे रूटर पे लाइव आऊँगा मैं, रूटर पे हम लोग इनका पूरा जितना ही कितना 48 बुक्स का पूरा ऑर्डर है ना, 48 बुक्स का ऑर्डर पूरा कर देंगे रूटर पे शाम को 6 बजे सैटरडे को। और फिर संडे की स्ट्रीम तो है ही तगड़ी भाई, यूट्यूब पे होगी जो कि वो तो अलग ही होगी भाई। क्या होने वाला है भाई, जैक कुछ रिवील कर रहा है, हम लोगों का पहला ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है भाई, इस संडे की स्ट्रीम तो बहुत क्रेजी होगी। बट यस कल को मिलते हैं तुम लोगों से शाम को 6 बजे रूटर पे, ठीक है? इनका ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, अभी के लिए निकलते हैं भाई। मैं नहीं यार, मैं जैक देख रहा लीव भी नहीं कर रहा है, जल्दी जाओ। अरे तुझे इसको क्या, मैं चोर जैसा लग रहा हूँ क्या? इतना गंदा भी नहीं हूँ मैं भाई, तूने बोल दिया एक बार कि नहीं देखना है तो नहीं देखना है, क्यों सही बोला ना गोलम भाई? ओए धक्का क्यों मार रहा है भाई, हेलो इज्जत नहीं है क्या मेरी इधर? इज्जत क्या मेरी, क्या इज्जत नहीं है इधर? हाँ बेटे ढंग से रहना हो गोलम बेटे,